रसोई को। जी हाँ, फूल खिलने लगे जगमगाए ये जहाँ। रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। यस, आ गई फिर सुबह। गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम करती है नई जज्बे, नई उमंग और नई शौक के साथ, जस्तुजू से, जस्तुजू के साथ, जज्बे के साथ और उभरती किरणों के साथ। जिस तरह सूरज की किरणें कभी मंद नहीं पड़ती, आपकी जिंदगी का सूरज इन्हीं जगमगाती किरणों के साथ तुलु हो। अस्सलाम वालेकुम अगेन और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग विद सभी। आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। आज है मंगल, आज बुध है। ओके, असल में बहुत सारे दिन इस तरह गुजर रहे हैं जैसे जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं ऐसा लगता है, और हकीकत ऐसे ही है। हम तो सिर्फ अगले दिन का इंतजार करते हैं, अरे जल्दी से आ जाए, ये दिन आ जाए, संडे आ जाए, अगले दिन छुट्टी आ जाए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारे दिन कम हो रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जिंदगी के जो भी दिन गुजारे जज्बे के साथ गुजारे, उमंगों के साथ गुजारे, उम्मीद के साथ गुजारे और एक स्ट्रगल के साथ गुजारे और खुशियों के साथ गुजारे। चले जी, ये हो गया है हमारा इंट्रो, लेकिन एक खूबसूरत सा मैसेज आपसे शेयर करना चाहूंगी और वो है उन खवातीन के लिए, क्योंकि हम जो है वो स्पेशली गुड मॉर्निंग विद सभी जो विनर्स टीवी पे आप देखते हैं वो है एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स एंड स्किल्स वुमेन्स के लिए स्पेशल जो है ये प्रोग्राम पूरा डिजाइन किया गया है, और इसमें बहुत सारी जो है क्राइटेरिया है, कैटेगरीज हैं, लाइक स्किल्स में खवातीन की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनमें शेफ भी हैं, ऑनलाइन करती हैं लाइक, और इसके बाद हैंडमेड ज्वेलरी बनाने वाली, फैशन डिजाइनर्स, पेंटिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत कुछ। यकीन करें अनलिमिटेड स्किल्स हैं, जिनको मैं काउंट करने लगूं तो मैं शायद मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। इसके अलावा ब्यूटी में इतना मार्जिन है, हेयर स्टाइल, हेयर कलर एक्सपर्ट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा हैं, फिर मेकओवर, फिर और लॉट्स ऑफ थिंग्स में भी बहुत कुछ क्राइटेरिया है। अच्छा जी, अब ब्यूटी पर स्किन के ऊपर आ जाए, फिर स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारा होती हैं, पिंपल्स एंड जिसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, तो खवातीन इसमें भी बहुत आगे हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही है ब्यूटी की, तो ब्यूटी में मैं आपको आज मैसेज ये देना चाह रही हूँ कि PBI प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है एक इंटरनेशनल ब्रांड कैलॉन के साथ एक कॉलेब्रेशन ब्यूटी वर्कशॉप। तो मैं साथ साथ में ये भी कहूँगी कि नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, देन आप यू कांट अफोर्डेबल, आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि बड़ी बड़ी क्लासेस हैं या बड़ी बड़ी जगहों पर जाके आप कोर्सेज करना चाहें तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज नॉट पॉसिबल इसलिए कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, लोग इतना नहीं रेंज है ब्यूटिशियंस की, तो उन्हीं ब्यूटिशियन के बारे में PBI आयुष मीडिया ने सोचा है कि एक वन डे मास्टर ब्लॉकबस्टर क्लास ला रहा है PBI एंड आयुष मीडिया कोलैबोरेशन विद कैलॉन। कैलॉन इंटरनेशनल ब्यूटी कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, और इसके अंदर आप लोग क्या क्या सीखेंगे इस ब्यूटी वर्कशॉप में जो 21 दिसंबर 2021 को हो रही है। इसमें आप ब्राइडल मेकओवर एक्सक्लूसिव सीखेंगे, इसके अलावा इसमें आप हेयर कलर, इसके अलावा आप हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल क्योंकि शादियों का सीजन है, और इसके अलावा सरप्राइज स्किन से रिलेवेंट आप बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे, और खास तौर पे नो हाउ बढ़ेगी आपको प्रोडक्ट की, तो ये भी बहुत जरूरी है। समटाइम हम प्रोडक्ट का भी सही इस्तेमाल नहीं करते, तो बिल्कुल PBI विथ कॉलेब्रेशन विथ कैलॉन, और कैलॉन इज अ बिगेस्ट ब्रांड, सब पूरे वर्ल्ड में उसको जाना पहचाना जाता है और ब्यूटिशियंस में बहुत इन है। तो फिर आर यू रेडी, तमाम ब्यूटिशियंस जो चाहे एक रूम के सलोन में या बड़े सलोन में, वो इस ब्यूटी वर्कशॉप से फौरन फायदा उठाएं, क्योंकि ये जो है मास्टर एक्सक्लूसिव ब्रांड ब्लॉकबस्टर ब्यूटी वर्कशॉप ला रहा है PBI एंड आयुष मीडिया। हो गई ना गुड न्यूज और हो गई ना आपकी सुबह जबरदस्त किस्म की, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 03-44-206-9902 पे, ये हो गया आपके साथ मैसेज। अच्छा, क्योंकि ब्यूटिशियंस जो है वो अक्सर जो है क्लासेस वगैरह अटेम्प्ट करती हैं, लेकिन प्लीज़ जब भी किसी क्लास में जाएं, ऑफ कोर्स उसकी नॉलेज रखें कि हम वहाँ से कुछ सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे होते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखा करें। अच्छा जी, अब हो गई ये बात, इंट्रो तो हो गया। अच्छा, अब मैं बात करूंगी हेल्थ की, क्योंकि अब ब्यूटी सेगमेंट तो इंशाल्लाह 11 बजे आपका हमेशा मेरे साथ होता है, लेकिन अब हम करेंगे हेल्थ की बात। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और आज हमारे ऑलवेज जो आते हैं एवरी वेनेसडे, क्योंकि हम लोग हो गए हैं अपनी सेहत से हैं लापरवाह,
और लापरवाही जो है वो आपके पिलर को हिला देती है। कहते हैं ना, जब बिल्डिंग बनती है अगर आपके उसके पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा, वो बिल्डिंग ठाए ठूई से गिर जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने स्केलेटन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने पोस्चर, बैठने उठने को, सोने जागने को और वॉकिंग को। ये बहुत सारी बातें हैं और खास तौर पे मैं उन पेशेंट्स के बारे में बात करूंगी जिनको फ्रोजन पेन होता है, शटिका पेन होता है, जैसे हम लोग अर्कोनिका निसा कहते हैं। और इसके अलावा पिछली बार बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थी गुजरांवाला से, कराची से, कि भाई हमें जो है बैक में पेन है, किसी ने कहा कि मेरी सर्वाइकल पेन है, कुछ लोगों का अच्छा कि टॉप टू बॉटम हम लोग यानी पूरा हमारे इसमें सर भी जुड़ा होता है और हमारा पीछे जो हम कहते हैं बैक साइड पे पूरा रीढ़ की हड्डी और इसमें हिप्स भी, मतलब हमारे इसमें बैक साइड आती है। तो हमारा जब बैठने का तरीका हो या हम बैठ नहीं पाएंगे तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। और समटाइम ऐसा होता है लोग लेटे ही रहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ कुछ नस दब जाती है या कुछ, अब मुझे तो इतनी नहीं, शायद मैं भी, अब डॉक्टर साहब भी बताएंगे और डॉक्टर साहब मेरे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन मैं इसलिए कहती हूँ कुछ लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अच्छे खासे थे लेकिन उनकी कुछ ना कुछ ऐसी वेंस बंद हो गई या कुछ डॉक्टर ने कुछ ऐसा मिसहैप कर दिया तो वो जो है वो बेड पे अभी तक मौजूद है। कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है आज हमने उनके बारे में डिस्कस करना है। तो हर्बलिस्ट बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरहाद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरहाद? चले जी, हम आज स्पेशली आप, क्योंकि यू आर बोन स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, मैं कहूँगी कि बेहतरीन तोड़ते नहीं है जोड़ते हैं। और ये बताएं कि आज आपने स्पेशली कहा था फ्रोजन पेन, थोड़ा सा लोगों को एक आम फहम लैंग्वेज में बताएं कि ये होता कैसे है और कहाँ से हमारी मिस्टेक होते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपकी बात पे एक बात करना चाहूँगा। आप अभी बता रही थी कि शादियों का सीज़न चल रहा है। हाँ। जिसमें मैं भी यही सोच रहा था कि लोगों को बड़ी जल्दी लेडीज़ को खास तौर पे तकलीफ़ होने लगी है, दिसंबर के एंड तक डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की लाइनें लग जाएंगी। उसकी वजह ये है कि शादियों के सीज़न में लेडीज़ अक्सर हील्स यूज़ करती हैं जो कि आपकी कमर के लिए और आपकी काफ के सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आपकी हील्स आपकी बॉडी के जो बैक साइड के उसको अपर साइड पे उठा देता है और आगे से उसको झुकाता है, सारा गेम आता है एंगल्स पे। अब वो ज़ाहिर है जब आपका एंगल आउट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको लंबर स्पाइन में, आपको काफ पे, आपके हैमस्ट्रिंग्स में आपको तकलीफ होगी। और वही बात है, 90% लोगों को हील्स पेन होता है, तो यही वजह है कि लोगों को तकलीफ हो रही है। तो कोशिश करें हील्स से अवॉइड करें और कोशिश करें कि साथ में अपनी सॉफ्ट मेडिकेटेड चप्पल भी यूज करें ताकि थोड़ी देर के लिए आप प्रोग्राम अटेम्प्ट कर लें जी, और जब इवेंट खत्म हो तो फौरन आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएं। ओके, अब इसमें फ्रोजन शोल्डर का आप मुझसे सवाल कर रही थी, तो हम लोग अक्सर कमर और गर्दन के बारे में बात करते हैं लेकिन फ्रोजन शोल्डर रह जाता है। फ्रोजन शोल्डर के बारे में अक्सर जो हमारे पेशेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सही आइडिया नहीं है। तो इस चीज में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके शोल्डर ज्वाइंट में वो स्टिफ हो जाता है, अब उसमें स्पेस नहीं होता लेकिन वो फिर भी तकलीफ करते हैं और आप जब भी उसका एक्सरे या एमआरआई करवाएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर आएगा। ओके, तो फ्रोजन शोल्डर में अक्सर लोगों का हाथ ऊपर नहीं जाता, स्टिफ हो जाता है, आपने देखा होगा एक बार तो मुझसे। अब अच्छा, 3 महीने तक मुझे किसी ने कहा कि जाके ना फिजियोथेरेपी करवाएं, डॉक्टर साहब आप कसम से जी जी। सब कहेंगे, लोग कहेंगे जनरली क्या अपने बारे में बताती रहती, मैं सच बता रही हूँ, तो कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी नहीं फजूल थेरेपी है। अरे बाप, मेरा हाथ ऊपर ही ना हो ऐसे और हल्का सा कुछ टच कर देना डॉक्टर साहब, बाखुदा चीखें निकल जाती थी मेरी। इसमें आपकी बात ठीक है, दर्द के सिम्टम्स होते हैं इसके, किसी का जरा सा कोना लग जाए किसी अलमारी से या किसी दरवाजे से तो ऐसा लगता है जान निकल गई। मैं रोटी के लिए बेलन मूव नहीं कर पा रही थी, कुछ चीज मतलब हल्की सी भी चीज का वजन उठाना इतना पेनफुल होता था, मुझे समझ में नहीं, ये होता क्या वैसे, आज इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा ना कि शोल्डर ज्वाइंट में स्पेस नहीं होता, वो हम कंधे का उतरना कहते हैं, जैसे कंधा उतर गया आपका। अब लोग उसको क्या करते हैं कि नॉर्मली उसका ये पोस्चर होता है, अब आप उसको कंधा चढ़ा तो रहे लेकिन उसकी ये ग्रिप को मजबूत नहीं कर रहे, इसलिए हर 1 महीने बाद 15 दिन बाद कोई भी झटका लगता है, जर्क लगता है, वो कंधा उतर जाता है। तो लोग इस मामले में इतने ज्यादा ये केस आम हो गया है, लेकिन वही बात है कि जब तक आप ये ग्रिप इसको मजबूत नहीं करवाएंगे, इसका क्या है, इससे सॉल्यूशन है? मेडिकल तो कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि पेन किलर्स आपकी किसी भी ज्वाइंट को पावर नहीं दे सकती, उसको मतलब ब्लॉक नहीं कर सकती। इसके लिए एक पूरी हर्बल थेरेपी होती है, कुछ डेज होते हैं, केस पे डिपेंड करता है, हम उसको चेक करते हैं उस हिसाब से, उसमें हम उसको लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ परहेज बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले कंधा दबा के सोना नहीं है, बड़ी एहतियात करनी होगी। अब फ्रोजन शोल्डर में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि
आपके शोल्डर में वो उतरा हुआ भी नहीं है, आपको फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफनेस भी है, और आपका शोल्डर जो ज्वाइंट है उसमें गैप भी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपका हाथ फ्रीज है, ऊपर नहीं जा रहा। इसका तरीका ये है कि ये अल्लाह का निजाम है, आप हाथ इस तरफ टर्न करें, आपके अंडर आर्म्स के ऊपर एक वेन आपके बाजू पे आ रही है जो आपको हाथ ऊपर नीचे करने में कंट्रोल करती है। ये चीज किसी को भी मालूम नहीं है। आप इसको घर बैठ के भी यहाँ पे थंब रख के उसको ऑलिव ऑयल से हल्का सा मसाज लेके उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। फिजियो भी इसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन फिजियो आपको वार्म अप कर सकती है, आपका पेन खत्म नहीं कर सकती। तो पेन के लिए जाहिर थेरेपी होती है, एक पूरा ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए तो हम मौजूद ही हैं, लेकिन उसमें फिजियो जब तक आपको इलाज नहीं मिल रहा है तो आप फिजियो ज्यादा बेहतर है। यकीन करें तो पेन हो रहा होता है, ऊपर से जब फिजियोथेरेपी कहा जाता है और उसकी एक्सरसाइज जब की जाती है ना, यकीन करें बंदे के 14 तबक रोशन हो जाते हैं और आंखों में से ऐसे आंसू निकल रहे हैं। यानी कि एक वैसे ही बंदा इतने पेन में है ऑलमोस्ट, उसको फिर कहा जाता है कि आप इसको आधा घंटा कीजिए तो बहुत तकलीफ होती है। फिजियो में दो तीन चीजों में मेरे पास केस आया था, तो फिजियो में ये हो गया आजकल के बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को देख देख कर उस पर बहुत ज्यादा झटका यानी कायरोप्रैक्टर जिसे कहते हैं उसे यूज करना शुरू कर दिया है, सख्त हाथ से ऑयलिंग शुरू कर दी है। अक्सर पेशेंट को शदीद तकलीफ हो रही होती है लेकिन वो कहते हैं नहीं जी आपको आराम इसी से आना है, लेकिन बेसिकली वो सब गलत है, सब झूठ है। आप मसल को जितना डैमेज करेंगे ऑयलिंग करके वो उतना और खराब होगा, ना कि वो रिकवर होगा। तो जैसे हम लास्ट शो में भी कह रहे थे लोगों को सही गाइडलाइन मालूम नहीं है, तो इन चीजों में बहुत, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक बार लॉक हो गया तो एक तो जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। अच्छा, एक मुझे जब आप चले गए थे तो वो आपने जाते जाते एक ऐसे पिंच कर दिया और वो कहा कि एक ऑयल है जो टॉप टू बॉटम आपके एक्सटर्नल पेन जो है वो रिलीफ देता है, बल्कि आपको हर ऑर्गन को भी उसको बूस्ट अप करता है, सही था ना? तो मैं नाजिन से भी कहना चाहूंगी, नाजिन के जब आपने ऑफकोर्स फरहाद चले गए थे लेकिन आपने पूछा मुझसे, कॉल्स वगैरह आ रही थी, तो ये ऑयल के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें, वो किस किस मतलब ऑर्गन को रिलीफ देती है बेसिकली। ये जो सबसे पहले इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जरा सा ब्रीफ कीजिए। इसमें हमारी रिसर्च तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें हमारे एक दोस्त हैं और वो बहुत ही ज्यादा तबलीगी लोग हैं, तो ये मौलाना तारिक जमील साहब की रेफरेंस से ये ऑयल चलता हुआ रहा है। अच्छा, जिसमें बड़े बड़े जो मुफ्ती और उलमा है उनकी इसमें दुआ शामिल है। तो सबसे पहली चीज़ उसमें शिफा है, गॉड गिफ्टेड है वो। फिर उसमें ईरान और जर्मनी और तुर्की की मेन जड़ी बूटियां उसमें यूज़ की गई हैं, यहाँ तक कि उसमें जो ज़ाफरान यूज़ किया गया है वो तुर्की का नहीं, वो जर्मनी का यूज़ किया। तुर्की का ज़ाफरान अच्छा नहीं है, जर्मनी का अच्छा है। उसके बाद उस ऑयल को यूज़ किया है, तो ज़ाहिर है हमारा बोन्स का और मसल्स का काम है तो उस पर तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं हमें उस पर। लेकिन एक हमारे दोस्त हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और वो हेयर और नेल्स के भी हैं, तो वो डॉक्टर काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं। मैं हमारे एक दोस्त हैं अरशद भाई, मैं उनसे भी ये बात कर रहा था, तो उसमें उनके पास हेयर के लिए एक पेशेंट आया था कि उनका हेयर बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा। तो वहीं पे वो मौलाना साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे कंपनी के ओनर हैं, वो खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि आपके इल्म में मैं इजाफा करूँ कि आप इसे वैसे यूज़ करें और महीने बाद मुझे रिजल्ट दीजिएगा, कोई पैसे नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, महीने बाद उस बंदे से मैंने भी मुलाकात की है, उसके ओरिजिनलिटी में उसकी रीग्रोथ होना शुरू हुई है हेयर की। और उस अलग है वो बोन्स के लिए, लेकिन वो आपके बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। तो अक्सर जो आजकल यंग लड़के हैं जिनकी बियर्ड में बीच में पैचेज आ रहे हैं, अब वो बियर्ड ऑयल यूज करते हैं, उससे दाढ़ी सफेद हो जाती है। थोड़ा बहुत मेरे साथ भी हुआ है, तो उसमें जब ये है कि हम उसको यूज करने लगे हैं तो उससे बहुत फायदा हुआ है। और बोन्स एंड मसल के लिए तो मैं कहता हूँ उससे नहाना चाहिए, इतनी यानी जबरदस्त चीज है। तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं? उसका तरीकेकार होता है, 5 to 7 minutes का उसका टाइम होता है। हाँ। अगर मुतासरा जगह पे आप उसको ठीक करके नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। और अगर 5 to 7 minutes आप उसको सही एब्जॉर्ब करेंगे हल्के हल्के हाथ से उसको जस्ट करके, किसी के अक्सर नीज में घुटनों में दर्द होता है ना, मैं अक्सर नाजीन मैंने देखा कुछ लोग कहते हैं हमारे घुटनों में बहुत दर्द है और उम्र में जब चले जाती हैं खवातीन तो उनको तो बहुत ही पेन होता है, उनके लिए कैसा है ये? 50 to 60% बहुत बेहतरी पैदा करता है। अच्छा। लेकिन अब जाहिर है जो घुटना अंदर से वीक है और उसमें जॉइंट में लेगमेंट में गैप है, टेयर्स उसके फट जाते हैं, उसके लिए तो फिर वो एक पूरी थेरेपी होती है। जो लड़कियां हील पहनती हैं वो क्या अपनी एड़ियों पर या प्रेशर पॉइंट्स पे किस तरह उस ऑयल को यूज कर सकती हैं? हील पेन दो वजह से आता है, हील पेन इनकी काफ से लेके जो इनकी हील्स में जो इसी पर ही अपने पिंडियों पे ही लगा रहे हैं, बॉडी का सेकंड प्रेशर पॉइंट है हील, ये सॉरी काफ। काफ तो इसके बिल्कुल सेंटर पे एक नर्व होता है, अंगूठे पे अंगूठा रख के इसको पिंच करें आपको बकायदा यहाँ तक जर्क लगेगा।
जबरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, खुद महसूस करेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि किसी से आप महसूस करवाएं कि आप चेक करें दर्द हो रहा है नहीं हो रहा। आपको आपके प्रेस करने से ही पता चल जाएगा कि उसमें कितना वो आपको यहाँ तक वो जर्क मार रहे हैं, उस हिसाब से उसको ऑयलिंग करें। सारा पेन आपका ट्रेवल होगा हील तक। अच्छा। हील के बाद आप हील में जो हड्डी वाली जगह है उसे हल्का हल्का एब्जॉर्ब करके नीचे जो आपका ये फुट की तरफ जाता है उस पर आप अच्छी तरह ऑयलिंग करेंगे ना, तो ये सारा दर्द आपके पैरों से निकल जाएगा। इस ऑयल से जो है ना ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जी जी बिल्कुल आपकी, मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम उसे लाने की, ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सके। तो उनके लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ लोग जो छोटे मोटी चीजों में प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किसी आम स्टोर पे मिलता नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है और हमारे क्लिनिक करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक, कोई एक्सपेंसिव नहीं है और हमें इसमें पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग लगाए शिफा की बात है, दुआ मिलती है उनसे, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद है। जबरदस्त जबरदस्त हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो हेलो। अच्छा बात कर रहे होते हैं तो क्या करें, अभी हम इंटरप्शन भी नहीं करते। फरहाद ये बताइएगा कि जिस तरह आप बोन्स की बात करें, शुगर वालों को भी होता है, उनके बोन्स में क्या इफेक्ट होता है अगर फॉर एग्जांपल वो शुगर पेशेंट है तो हड्डियों पे क्या असर होगा? सिंपल इज डेट के जो भी डायबिटिक ज्यादा बहुत ज्यादा आम हो गई है और उसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं है, वजह ये है कि डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट को टाइम देते नहीं है तो वो ज़ाहिर मायूस होकर घर बैठ जाते हैं, घर पे ही टोटके कर रहे होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि शुगर से ऑटोमेटिकली, शुगर बेसिकली आपकी बॉडी को अंदर से दीमक की तरह ख़त्म कर देती है। ओके। ये बहुत इजी जबान में मैं समझा रहा हूँ। अब जब आपकी बॉडी अंदर से ख़त्म होना शुरू होगी तो उसमें आपके फ्रंट साइड का हिस्सा भी इन्वॉल्व होगा और बैक साइड का भी होगा। बैक पे हमारा सिस्टम पूरा है, स्पाइनल से लेके आपके नीज से लेके सर्वाइकल तक। अब वो जैसे जैसे आपकी बोन्स भुरभुरी होती जाएंगी, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, एक बार मैंने पहले भी बताया था, तो वो भुरभुरापन, फिर वो विटामिन D3 भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, कनेक्शन से कनेक्शन मिलता रहता है और शुगर वाला बंदा बिल्कुल जीरो पे आना शुरू हो जाता है। यानी आप उसको ऐसे आपकी उसकी बोन्स पे आप ऐसे टच करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो जैसे जैसे हम कोई चिप्स या पापड़ वगैरह यूज करते हैं तो वो आवाज कैसा करता है, क्रिच क्रिच करके, बोन्स की ये हालत हो जाती है शुगर से। तो पिछले शो में भी जोर टूट रहा है, दुख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा है ना? वो मर्ज नहीं होता, वो शुगर से इतनी ज्यादा वीकनेस पैदा हो जाती है। और फिर हर चीज का एक टाइम होता है ठीक होने का, 40-50 के बाद। वो लास्ट टाइम भी शो में हमने कहा था कि डाइट से आप इसको बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कोशिश में लगा हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि मुझे शुगर के लिए कोई ऐसी चीज मिल जाए कि बिना किसी इंटरनली खाने के बगैर उनको फायदा होना शुरू हो जाए। मेरी पूरी कोशिश है। इतने दुनिया के इतने पावरफुल कंट्रीज हैं और इतनी इतनी बीमारियों पर जो है वो डायग्नोस किया जा रहा है, एड्स के ऊपर, कैंसर के ऊपर, इसमें काफी बीमारियों को कर दिया कि भाई यार ये जेर इलाज है या इलाज हो सकता है इसका। लेकिन मैं हैरान हूँ सब यहाँ पर क्या इतने बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए कि वो शुगर को की कोई वैक्सीन हो या कोई इंजेक्शन हो जिससे यार ये ठीक हो सकता है, अभी तक नहीं हुई। बड़े दुख होता है यार। इसमें जैसे आप कह रही हैं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो इसमें शुगर में आके फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, फेल कहूंगी, क्या आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक हमने भी पढ़ा है, हमारी फील्ड भी है, तो कोई इसका अभी तक ऐसा इलाज नहीं आया। पंजाब में एक शख्स था जिससे मेरी बात हुई थी, तो मैं ज़ाहिर वो काम करता हूँ जिसमें मेरा एक्सपीरियंस हो, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं हो मैं वो काम नहीं करता। तो मैंने एक अपने पेशेंट से सुना था कि मैं आज 60 ईयर्स पे खड़ा हूँ, अच्छा। मेरी शुगर जड़ से खत्म हो गई। तो मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है कि खत्म हो गई, कंट्रोल हो गई समझ आ रहा है लेकिन खत्म हो गई पॉसिबल नहीं है। कहता है एक बंदा है उसको गॉड गिफ्टेड है, वो बूढ़ा शख्स है पंजाब के किसी हिस्से में, ये मुझे याद है। तो क्या है कि भाई उसमें आपके आप उससे बात करें। तो मैंने पेशेंट बनकर उसको कॉल किया। ओके। वो आपके सुबह निहार मुंह टेस्ट की रिपोर्ट आपके फोन पे लेता है और जो भी उसको मैंने मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 3 महीने में आपका लबलबा काम करना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें। उसने कहा कि आपने चाय और कोल्ड ड्रिंक सारी जिंदगी नहीं पीनी। अरे वाह। और लास्ट टाइम भी हमने बताया था, तो वहां से फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा ऐसे मैंने जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स में जो शुगर पेशेंट हैं उनको मैंने कोशिश किया, तो वो उनको वाकई बहुत बड़ी बात है। आपने सदका जारिया का काम किया। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन जी? अमीना बात कर रही हूँ मैं जी। मेरी बहन जरा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज कम आ रही है। अमीना बात कर रही हूँ जी। अमीना जी कहाँ से? रांची से बोल रही हूँ जी। क्या पूछ रहे मेरी बहन?
मैंने ये टीवी पे चल रहा है आपका आ रहा है प्रोग्राम आ रहा है जी जी तेल के बारे में बता रही हैं जी, पूछिए सवाल क्या करना है आपने। सवाल यही करना है, मैं बच्चे हैं मेरे, उनके सबके बाल सबके बहुत कम हो गए हैं बाल। आपकी उम्र क्या है मेरी प्यारी बहन जी? आपकी एज क्या है, उम्र? मेरी तो उम्र 50 है। अच्छा, तो अब फर्क समझ आ गया आपको? चलो हम आपको आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मेरी अच्छा सुना, मेरे तो बाल पहले बहुत सही थे, अब बहुत कम हो गए, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं 5 बेटे हैं मेरे। अच्छा, उनके सबके ही कम हो रहे हैं। बड़ा बेटा 31 साल का है जी, उसके भी बहुत ज्यादा बाल कम हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ, बता दें इसका हल और ये तेल कितना फायदा करेगा नहीं करेगा। अच्छा, और ये कहाँ से मिलेगा? ओके ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी फरहान। इनका सवाल यही था कि इनके जो भी बेटे हैं, अब वो सब में एज फैक्टर ज़रूर है, उसमें इन्हें हेयर इशू आ रहा है। अब देखें, सबसे पहले आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपको शफा मिलनी है तो इसी से मिलनी है, क्योंकि जो कहते हैं कि हमें इस चीज़ में गारंटी दें, ये दें, ये सब बेकार की बातें, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन ये है कि आपकी नीयत और आपका वो एतमाद होना चाहिए कि मुझे अगर फ़र्क पड़ेगा तो इस मट्टी से भी पड़ेगा। तो हम भी इसी बुनियाद पे काम करते हैं और फिर अल्लाह हमारी इज्जत रखता है और पेशेंट्स की भी रखता है। अब इसमें ये है कि इन्होंने क्या करना है कि आपने ऑयल की बात की ना जी जी, तो वो आपने कहा कि ये सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है, तो वो इसीलिए उन्होंने कॉल करके पूछा। हम बिल्कुल इनके लिए मौजूद हैं। इन्होंने क्या करना है कि जो भी डेली रूटीन में जो भी मर्द के जो सिस्टम होते हैं आउटडोर के, उसमें इन्होंने क्या करना है कि अपनी जो भी अच्छा शैम्पू यूज़ करना है, अच्छी ऑयलिंग करनी है, डस्ट से इन्होंने बचना है। इवियन के कैप्सूल्स आते हैं 500 mg to 1000 mg, वो यूज़ करने हैं पर डे के हिसाब से 2 to 3 months, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इनके बालों में जान आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये रोज़ाना ऑयल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि मुतासर जगह पे 5 to 6 minutes उसको यूज़ करें, हल्का हल्का उसे अपने पॉट से उसको मसाज करें। ओके, जैसे जैसे आपके पोर्स खुलते रहेंगे उसमें से डस्ट निकलती जाएगी, ठीक है, उसमें फिर कुदरतन आपकी रीग्रोथ होगी बालों की। और अगर फ़ायदा ना हुआ, अल्लाह ना करे, तो एटलीस्ट नुकसान नहीं है। अच्छा, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, आप लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं, और जबकि हमारा किया हुआ है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हम आपको मैक्सिमम कितना। अच्छा, ये क्योर तो हो जाएगा इनिशियली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक, बिल्कुल कम से कम। किसी भी देखे कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है ना, उसको भी थोड़ा टाइम लगा है, और जब हम दोबारा रिकवर में आते हैं तो फिर हम उसी तरह सोचे कि इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग कोई भी बालों का ट्रीटमेंट करवाते हैं और बाज़ुकात कहीं से फर्क पड़ भी रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं यार मुझे महीने दो महीने में फर्क नहीं पड़ा, उसकी वजह नहीं हो मैजिक नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज और है कि आपका जब बाल ग्रो होना शुरू होगा ना, जैसे ही जड़ से निकलेगा, तो ज़ाहिर इतना लंबा तो होना नहीं है उसने, वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते। वो जब आपका 6 महीने साल का टाइम पीरियड गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई इस चीज ने मुझे काम किया। तो ये थोड़ा सा ऐसा ही है। सफेद बालों पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और लोगों को उसमें बहुत फर्क पड़ना शुरू हुआ है। ये हमारे गाँव देहात में एक टोटका था, तो हमने उसे यूज किया, उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लौंग का आपने नाम सुना है? बिल्कुल, गरम मसाले में जी बिल्कुल। लौंग आपने 1 या 2 पीस रोजाना रात में अच्छी तरह उसको चबा कर आपने उसको पानी के साथ उतारा, आपकी कुदरतन जो बाल सफेद हो गए वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे आपके बाल। चबा कर आपने उसे ले लिया। अच्छा, एक कॉलर है, इसके बाद बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मिसेस हुसैन फ्रॉम कराची जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं अजरा बात कर रही हूँ। जी 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 अजरा, क्या पूछना है आपने? फरहाद मौजूद है जी। मुझे ये पूछना है कि मेरे जो हस्बैंड है, तो उनके सर के बाल बहुत ज्यादा कम हो गए। ओके जी, बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं। तो मेरे भाई की उम्र क्या है वो तो बता दीजिए। उनकी उम्र है 45। पक्का। चले जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया अजरा। चले जी, अब बताए फराज भाई, ये ऑयल है ना, अब यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि लोग, क्योंकि आपने बात ही ऐसे कर दी इतने कॉन्फिडेंस से, और जो आप इतनी हमदर्दाना जो टिप्स भी दे रहे हैं लोगों, अपने जनरली गुफ्तगु भी कर रहे हैं कि भाई वो मिला तो हमने कहा चाय, और ये लोग नहीं बताते अपने दिल की जो है ना, वो अपने तक रखना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है देखे जाए तो इस ऑयल के बारे में। हस्बैंड के लिए, वो बच्चों के लिए परेशान है मम्मा, और ये अपने हस्बैंड के लिए, आप बताइए। ऑयल इंशाल्लाह इनके लिए हम लाइने लगा देंगे, और नुकसान को वो कह रही होंगे फरहाद भाई के बाल इतने अच्छे, तो मेरे हस्बैंड के भी बाल वही मुराद जैसे होने। कहाँ से कॉलेज? हेलो, साईवाल से। कौन है नाम इनका?
उमेर अस्सलाम वालेकुम। मेरा अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? आपके सामने बहुत अच्छा शो कर रही हैं आपने, आज फिर से इनको बुलाया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आप। जी जी बिल्कुल, हमारा शो ही आप लोगों के लिए। आप कुछ पूछना चाहेंगी मेरी प्यारी बहन? जी मैंने इनसे ये पूछना है कि मेरे भाई की उम्र 29 या 30 साल के करीब है, जो लेफ्ट साइड है बाजू की वो अंदर की तरफ, हाथ उंगलियाँ अंदर की तरफ मुड़ जाती है, जब तीन चार जो उंगलियां हैं लेफ्ट बाजू की वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। उंगलियां फिंगर्स? जी जी, जैसे अंदर मुड़ जाते हैं। अच्छा ठीक, ओके डन, ओके जी। और पूरे लेफ्ट बाजू इस तरह मतलब जैसे कमजोर फील होता है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। जब कोई काम वगैरह या वजन वगैरह उठाता है तो उस वक्त तो ज्यादा होता है, मगर अक्सर इस तरह होती है उसके साथ ये कंडीशन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियाँ खुलती है। उमेरा आपके भाई की एज क्या है? 29 से 30 साल। चलिए जी मेरा, हम अभी अभी फरहान आपको इसका आंसर देंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू। साहिवाल से कॉल आंसर दें हम लोग? जी जी बिल्कुल शुरू। इन्हें सबसे पहले जब तक ये मेरे पास नहीं आते तब तक आप सबसे पहले बहुत ज्यादा अपनी मुतमईनी के लिए आप सीधा जाएं, सर्वाइकल का MRI करवाएं। MRI रिपोर्ट कोशिश कीजिए कि मुझ तक पहुंच जाए। उसमें C1 से लेके C7 तक, यानी गर्दन के 7 मोरे होते हैं जो इनकी लेफ्ट साइड के सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं। ओके। अब एक बहुत नॉर्मल मर्ज है जो कि आपके बाजू को सुन करता है, आपके बाजू को खिंचाव देता है, तो हमें पता भी है और हमें समझ आती भी है। लेकिन इसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें फॉलिज की तरह उनकी उंगलियां आपस में ऐसे जोड़ना शुरू हो जाती है, और जब आप उसको पकड़ के बहुत हार्ड तरीके से खोलेंगे तो वो खुलेगी भी, लेकिन वो दोबारा ऐसे ब्लॉक हो जाएगी। अब जब उसमें बद एहतियाती होगी, जब उसमें बदपरहेजी होगी, वो ये मर्ज बढ़ेगा। सर्दियों में ज्यादा होगा, आई थिंक साहिवाल में ठंड भी चल रही है। फिर जब ब्लड फ्लो एक टाइम हो जाएगा 6 महीने साल, वो रुकता रहेगा, तो इनका पौधे की तरह बाजू सूखता रहेगा। राइट में पावर ज्यादा होगा, लेफ्ट में नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अगर MRI में ये प्रॉब्लम शो हो रही है तो टेम्परेरी तौर पे सॉफ्ट कॉलर यूज करें, हार्ड नहीं, सॉफ्ट। अक्सर लोग हार्ड यूज करते हैं, उससे मोरों पे सपोर्ट जरूर मिल रही है लेकिन आपकी वेन्स दोबारा पिंच हो जाती है। क्योंकि जिस तरह कमर का बेल्ट और गर्दन का सॉफ्ट कॉलर होता है, इसका फायदा है तो नुकसान भी है। हर चीज का फायदा नुकसान लाजमी है, तो लोग फायदे के तौर पर इसको यूज करते हैं तो रात को पहन के भी सो जाते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो वो ब्लॉकेज तो उनका परसेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा ये तो मेरा के उनको आंसर दे दिया आपने, लेकिन वो रिपोर्ट्स में जो आएगा तेन फिर बंदा जो है ना डिसाइड करता है, एक पूरा प्रोसेस है, ऐसे तो नहीं बता सकता ना कि क्या है। अच्छा दूसरा, एक कुछ लोगों को ये जगह सुनो, जैसे उन्होंने अभी ये तो हमारे सारे स्केलेटन में, तो हमारा क्या चेहरा जिसे बोलते हैं खोपड़ी, या हम लोग अपने वो तमाम सर का, जो सर की बात करूंगी, क्या ऐसा होता है कि हमारी सर में भी ऐसा होता है कि जगह सुन हो जाती है, ये इससे कोई सिस्टम है, एक दूसरे से जॉइंट है? सर्वाइकल से इसका ताल्लुक है, गर्दन से जिसको हम कहना चाहेंगे, आपकी कमर से आपकी स्पाइनल जो आपकी गर्दन से आपके नीचे टेल बोन तक जा रही है, उसमें आज भी सबसे ज्यादा मर्ज गर्दन का होता है। उसको ज्यादा खतरनाक इसलिए कहा जाता है कि उसका ज्यादातर ताल्लुक आपके ब्रेन के अंदर के सिस्टम से होता है। बहुत सारी यंग लड़कियों को माइग्रेन प्रॉब्लम है, बहुत आम हो गया, आधे सर में दर्द हो रहा है, पीछे से आ रहा है और आंखों पे प्रेशर आता है। असल में मेरे जहन में ऑर्थोपेडिक सिर्फ वहीं तक सारी चीजें कनेक्ट है बिल्कुल, कि ये जगह कभी कभी ये जगह पेन, कहीं एक साइड पर पेन बहुत बहुत तकलीफ जो होता है। अच्छा वो जो पहले जो कॉलर थी ना, सबसे पहले बहन ने जिसने अपने बेटे के लिए पूछा था, वो आपने कुछ कैप्सूल बताए थे, ईवॉन का एवियॉन, उनको जरा रिपीट जरा मेरी बहन को आंसर दे दे। बहुत नॉर्मली मेडिकल स्टोर से आपको एवियॉन के कैप्सूल मिलेंगे जो 500 mg और 1000 mg भी होते हैं। आप 500 mg यूज करें रात को सोते हुए, डेली एक टेबलेट लेनी है आपने, रेड कलर का पत्ता होगा और ऊपर से ब्लू टाइप का उसका कवर सा होगा, वो डेली आपने लेनी है। वो हेयर नेल्स टेंडन सब चीजों के लिए कोई नुकसान नहीं है, आप अपने जनरल फिजिशियन से पूछ भी सकते हैं, और आपने तकरीबन 1.5-2 महीना यूज करना है। उससे आपके बालों की रीग्रोथ नहीं होगी, लेकिन बाल डैमेज होना रुक जाएगा और बालों में थिकनेस पैदा शुरू हो जाएगी। क्या बात है, तो ये बहुत अच्छी चीज है और मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ। और अगर नहीं, अगर उसमें कोई अगर है जो देखिए ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है ना, तो क्या होता है किसी चीज का जब बेस्ट इफेक्ट पड़े तो एक्स्ट्रा भी बेनिफिट्स हो जाते हैं। बिल्कुल, मे बी आपको पूरी बॉडी इंटरनल कुछ वीक हो तो हो सकता है, वो जगह ब्लॉक हो तो उसमें भी सप्लीमेंट है। वो इतनी उम्र भी नहीं है आपके बेटे की, 31 साल हो जाएंगे उनके बाद, थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है।
अपने बालों की केयर करें। एक बात बताऊं, ये भी बहुत फरहाद ने कहा था कि जिन लोगों को बालों की ज्यादा अच्छी ग्रोथ चाहिए, वो जरा सी फूड्स को भी ज्यादा, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं ओमेगा, इसमें क्या है, फिश में क्या होता है, फिश ऑयल, हाँ फिश ऑयल जी, ये या तो ये यूज करें। और हमारे अंदर जो वीकनेस है वो मैंने देखा चाइनीज लोगों के बाल बहुत अच्छे, वो सी फूड बहुत, फिश ऑयल का थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम है उसको एसिडिटी बढ़ा देता है फिश ऑयल, अच्छा, क्योंकि उसका पावर बहुत ज्यादा है और हम इंटरनली बहुत वीक हो चुके हैं, तो इसलिए उसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। और जब फिश खा सकते हैं बिल्कुल हल्के मसाले पे यूज करें, चाइनीज जैसे आप कह रही थी, एक उनकी बेहतरीन ताकत ये भी है कि वो अपना जो भी उनका खाने की रूटीन है हमसे मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन वो मसाला नहीं यूज करते। अच्छा, तो मसाले वाली चीजों से अवॉइड करें, वो भी आपके बालों को गिरने में और ज्यादा उसको मदद करता है। और हम तो जब तक कूटा काटी मसाला ना हो तो खाना जम नहीं, मसाले वो मसाले, और हमारी जिंदगी में भी ऐसे मसाले लगे हुए, क्या क्या हमने दुनिया के घरों में जो मसाले लगाते हैं वो अलग है, वो मसालों से तो भरपूर जिंदगी हो गई हमारी, और ये फिर कितनी तकलीफ, जब वो मसाले लगते हैं फिर कितनी तकलीफ होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन, आपके आंतें, हमारा स्टमक, उसमें जो फायर लगता है, फिर हम उसके ऊपर एक बड़ा आसान समझते हैं कोल्ड ड्रिंक एक पी लेते हैं, बहुत इजीएस्ट, ऐसा है कि कोल्ड ड्रिंक तो जहर है, आपके जो भी खाने जो आपके बाद में जाके डाइजेस्ट होके ताकत बनना चाहिए उसे, वो सब वेस्ट हो जाता है कोल्ड ड्रिंक की वजह से। ग्रीन टी मुफीद है, आपके वेट के लिए भी बहुत मुफीद है। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं इंशाल्लाह आपको वेट लूज प्रोडक्ट का भी बताऊंगा, वो भी हमारा अपना ही है। आपने ऑयल का भी बताना है, ऑयल का भी मैंने बताया, हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ फरहाद हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलर जो, क्योंकि वो जब आपने ऑयल की बेनिफिट्स बताए, और मैं चाहूंगी कुछ स्केलेटन भी लेकर आए, तो हम कुछ थोड़ों लोगों को बताएं कि प्रैक्टिकल करके हम बताना चाहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ही लोग हैं, हो सकता है इनके पास, जैसे आपने भिंडी का बताया आज, तो प्लीज एक बार रिपीट कर लीजिए प्लीज, भिंडी का हम दोबारा रिपीट करते हैं, आपने का जिनके अंदर वो बोन्स में लेस कम हो जाती है, यही बात है ना, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बात करती हूँ जी, बताइएगा। चलो ऐसे और सिंपल करते हैं, लास्ट टाइम की निस्बत, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के नमाज पढ़ते हुए, उठते बैठते हुए घुटनों से, पूरी बॉडी से आवाजें आती हैं, उसमें यह है कि विटामिन D3 कैल्शियम होना वाकई वो कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, वो एक चीज़ आप साइड पे कर दें, उसे आप टाइम मिले तो आप जनरल फिजिशियन के मुताबिक उसे टेस्ट करवाएं और उसे पूरा करने की कोशिश करें, नुकसान नहीं है, अच्छी चीज़ है। भिंडी का पानी सिर्फ घुटनों के लिए नहीं है, आपकी पूरी बॉडी के जो भी कार्टिलेज सिस्टम आपका ख़त्म हो जाता है एज फैक्टर के हिसाब से या खुराक ना लेने की वजह से, भिंडी का पानी आहिस्ता आहिस्ता आपके नाखून के अंदर भी जाता है और उसमें इतनी चिकनाहट पैदा कर देगा कि आपकी हड्डी आपकी बोन स्लिप हो जाएगी, लेकिन वो टकरा के ऑस्टियोपोरोसिस नहीं बनेगा जिसे भुरभुरा बन कहते हैं। तो चार भिंडियों को बीच से कट करके उसे सादे पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी आपने आराम आराम से यूज करना है, बहुत से लोग नहीं ले सकेंगे, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा हो तो उसे पानी मिला के पतला करके उसे आराम आराम से आप लें, 3 to 4 months का प्रोसेस होता है, कोई नुकसान नहीं है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, आप डेली यूज करें, हार्ट वाले जो पेशेंट है उन्हें 2-3 दिन का गैप देके यूज करवाएं, आपको खुद ब खुद 15-20 दिन में रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, नॉर्मल पर्सन जिसको शुगर भी ना हो, हड्डियों का दर्द भी ना हो, वो भी पी सकता है, देखिए नुकसान नहीं है, आगे फ्यूचर में फायदा ही फायदा है, स्ट्रॉन्गनेस 40 के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भिंडी के इस इनटेक वाटर के बारे में जो हम ले रहे हैं उसके मजीद बताइएगा कि हमारे लिए क्या ये कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हमारे इसके अलावा शुगर के अलावा ये और बहुत सारी बीमारियां, अभी नहीं बताना क्योंकि प्रोग्राम का खत्म हो गया, अगली बार वेट कीजिएगा फरहाद का, फरहाद आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हेल्थ सेगमेंट में होते हैं फरहाद, हर्बलिस्ट एंड बोन स्पेशलिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, और अब है हमारा यहाँ पर सेगमेंट हेल्थ खत्म, लेकिन इंशाल्लाह हमारे साथ तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग हेल्थ से रेलेवेंट अवेयरनेस देते हैं, और यहाँ हम छोटी सी लेंगे ब्रेक क्योंकि इसके बाद है एक और सेगमेंट, तो रहना है मेरे साथ। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ, वरुबा जरा सा ऊंचा बोलिएगा, आवाज कम आ रही है, अरुबा अच्छा हम लोग मेरे ख्याल में इनकी कॉल दोबारा ले लीजिएगा, हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ यूनिक डिश आ रही है क्योंकि
यूनिक डिश के साथ न्यू टैलेंट है। एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को हम यहाँ पर देते हैं चांस और वो अपनी जबरदस्त डिश बनाती हैं और नो डाउट बहुत टैलेंटेड है। और आज भी शेफ रबिया मेरे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसे हो आप? ठीक हो? और आज ये ऑनलाइन भी काम करती हैं, बहुत बेहतरीन। और 3 से 4 साल इनको इस कुकिंग फील्ड में हो गए। और रबिया किचन के नाम से ऑनलाइन है, ये ऐसे ही काम करते हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है जो खवातीन या जो लड़कियां हैं आगे आ रही हैं और जो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपने टैलेंट को इन्हेंस कर रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से। और जितनी मदर्स हैं, जितने फादर या जो लोग देख रहे हैं फैमिली, वो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें ताकि वो कभी भी किसी की मोहताज ना हो। ये है एसएमई सिस्टम। हम चाहते हैं कि हम अपने स्किल सेगमेंट में डिफरेंट लोगों को चांस दें और कुकिंग सेगमेंट में भी। मम्मा का नाम क्या है? नाजिया। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और हमने इनका काम वैसे ऑनलाइन भी देखा है और इसी वजह से हमने इनको एज ए गेस्ट बुलवाया और इसको रिकमेंड किया है मैम सुमैया साहिबा ने जी। थैंक यू सो मच सुमैया, मेरी प्यारी बहन बहुत सपोर्ट करती है न्यू टैलेंट को और आगे आने वाली खवातीन को। आज डिश क्या बन रही है सुमैया? क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। चले जी, आज इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन बता दें। चले जी, हम इस साइड आ जाते हैं क्योंकि रबिया जो है जी स्टार्ट करते हैं। 300 ग्राम बता दो ऐसे फिर सोना फिर अपनी इसकी वो 300 ग्राम चिकन है, 2 eggs है, इनको हमने बीट करके रखा है, 2 cups ब्रेड क्रम्स है, मस्टर्ड है, चिली सॉस है और सॉल्ट, पेपर, पेपरिका पाउडर और सोया सॉस, हनी और बेकिंग पाउडर। बस स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये इन्होंने तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दिए। अच्छा, वो हसबे जायका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको। हम सबसे पहले 350 ग्राम चिकन लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो है ना 1 teaspoon ब्लैक पेपर, ओके, 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर। अच्छा, ओके, बेकिंग पाउडर भी डल रहा है जी। बेकिंग पाउडर से चिकन सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा ठीक, वो बहन पहले इतनी चिकन सॉफ्ट डालते ही पक जाती है। चले, लेट्स सी ये इनकी डिश इंग्रेडिएंट्स। 1 tablespoon सोया सॉस, सोया सॉस, ओके, 1 tablespoon चिली सॉस। उफ, चिल्ली भी डलेगी जी। ओहो, 1/2 tablespoon मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, ओके, डन इट। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स, यस, ये कितनी देर हम इसे रख सकते हैं? वैसे तो अगर हम ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वरना हम 2 hours तक इसको रख सकते हैं। लेकिन अभी लाइव शो है और लेकिन ये कुछ बना के भी जैसे हम कहते हैं कि आप रख सकते हो ऑफ कोर्स जी। और जी ये देखिए जबरदस्त इन्होंने मिक्सिंग। अच्छा, जस्ट हम चिकन को ही इस तरह कर सकते हैं, फिश को भी इस तरह बना सकते हैं? फिश को भी हम इस सेम रेसिपी में बना सकते हैं। अच्छा, मैं तो मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? यूनुस ठाकुर बात कर रहा हूँ, आप क्या हाल हैं? आपके सभी खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं भाई? प्रोग्राम देख रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो आप। थैंक यू। और मैं काफी दिन से देख भी रहा हूँ इसको और अच्छे सेगमेंट है, मतलब कि तुम्हारी बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने कहाँ से कॉल की? कराची से। मैं यूनुस ठाकुर बात कर रहा हूँ, यू नो मी आई थिंक, आप शायद पहचाने नहीं है। यूनुस ठाकुर नहीं पहचान नहीं पा रही, माजरा, तुम मेरे जहन में शायद अभी लाइव शो में नहीं चल रहा। बहुत अच्छा लगा मुझे, जाती तौर पे अच्छा लगा। मैंने खुद कहा कि मैं आपको फोन करके ये चीज कहूँ आपको। आपको नहीं पता, ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। थैंक यू, लव यू। ऐसे सीनियर लोग अप्रिशिएट करें तो हमारा फूल और बढ़ जाता है। आप लोग तरक्की करोगे, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यही मोहब्बत रहो, खुश रहो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बड़ी बात है, इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर और वक्त टीवी के ऊपर इन लोग माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग शो करते थे। थैंक यू सर अगेन, बहुत अच्छा लगा मुझे जी। सर मैम रबिया, शेफ रबिया हमारे दरमियान मौजूद है। अच्छा, बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो हमने इस पर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, 2 चूल्हों से फायदा हो जाता है क्योंकि पूरा स्मोक ना हो। अब हम इसको कोटिंग करेंगे। कोटिंग सबसे पहले हम इसको एग में डिप करेंगे। आप
इसको देखें आप, गुड। इसको हम पहले एग में डिप करेंगे, एग में डिप करना, उसके बाद हम इसको बेकिंग पाउडर, सॉरी ब्रेड क्रम्स, इसको ब्रेड क्रम्स में आप अच्छी तरीके से कोट करेंगे। अच्छी तरह कोट, हम किसी प्लेट में लेके आए, डायरेक्ट आप डाल रहे हो? मैं डायरेक्ट आप, डायरेक्ट आप, ओके जनेट। इसको हमें दो बार डबल कोट करना है। अच्छा, डबल कोट जी, ताकि जरा क्रिस्पी से आ जाए ऐसा, ताकि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर सही से कवर हो। अच्छा, बच्चे भी इसे खा सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर स्पाइस अगर ना डाले, बच्चों के लिए स्पाइसेस थोड़ी हम कम कर देंगे। यानी कि दो बाउल्स में आप बना सकते हो, हल्के से ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर, जैसे दक्षिणी मिर्च या काली मिर्चों से भी आप, क्योंकि वो तो बहुत फायदेमंद होती है आंखों की नजर के लिए भी, वो आप बच्चों के लिए डाल सकते हो और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अगर हम इसके साथ स्पाइसी सॉस रख दें और चिकन में हम कम स्पाइसेस रखें तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। ये बात भी बहुत गुड है। और ये छोटे बच्चे जो हैं वो इजीएस्ट जो हैं, 4 साल के 5 साल के, उनको भी आप थोड़ा सा फ्लेवर के तौर पे दे सकते हैं। स्नैक्स में बहुत शौक, बिल्कुल बिल्कुल, स्नैक्स में भी, शाम में भी आप ले सकते हो, बच्चों को थोड़ा ब्रंच भी बना के दे सकते हो, स्कूल वगैरह में जा सकते हैं, कॉलेज यू गोइंग जो है स्टूडेंट्स, देन उनके लिए भी बहुत बेहतर है। और हमारे दरमियान ऑफ कोर्स जैसे आप हमारी लाइव देख रहे हो, और जो भी अगर न्यू टैलेंट है, इसको मैं शिफ्ट कर दूँ शायद इसके ऊपर, ये अभी ज़रा सा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था। लो फ्लेम पे करना है या लो फ्लेम पे करना है? लो फ्लेम पे करना है। अच्छा, आ जाए शेफ रबिया हमारे दरमियान मौजूद हैं, और माशाल्लाह ऑनलाइन इनका काम है शेफ रबिया के नाम से ही जी, रबिया ऑनलाइन आप इनका देख सकते हैं। अगर आप इनसे कुछ भी बनवाना चाहें तो मैं तो चाहती हूँ कि उन ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को हम प्रमोट करें। और बेकिंग में अभी तो मुझे इतने सारे, यकीन करें, बच्चियाँ हैं वो कॉल्स कर रही हैं और हमें फीडबैक दे रहे हैं फेसबुक पे भी, जो बेकिंग कर रही हैं। कल भी एक बच्ची ने जूस, बड़ा प्यारा वो कॉकटेल जूस बनाया था, और अभी वो केक बनाना चाह रही हैं। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं रबिया, आपको किस तरह के ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं? मुझे मेरा एक स्पेशलिटी है मेरी पिज्ज़ा बर्गर। अच्छा, इसके मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बनाया इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं नहीं, पता क्या, फर्स्ट टाइम आई है ना, तो उन्होंने कहा पहले जाके चेक तो करूँ रेसिपी और ये जल्दी भी बन जाएगी इसलिए, लेकिन होना चाहिए। हम बनाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा मिनी पिज्जा, ओके, मिनी पिज्जा, पिज्जा बर्गर भी आप कभी ट्राई करिए। ये पहली बार सुन रही हूँ पिज्जा बर्गर, ओके, नहीं होना चाहिए तो इजी, हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं इसे जी। अच्छा, एक इन्होंने, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है, तो शेफ रबिया हमारे दरमियान मौजूद हैं, और मैं चाहूँगी तमाम पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक और बनाना है, बस अभी इसको सॉस के साथ हम इसको प्रेजेंट कर दें, फिर हम इसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है? हम इसको एक, बस एक ही इसलिए बना लेते हैं इसको, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो गया, और इसके अंदर सॉस वगैरह डालने शुरू थी, हम इसको वहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है जी। आ जाए जी, इसको हम यहाँ पे कर दें, जब तक आप इसको जी आ जाओ, आप इसको इधर यहाँ से शिफ्ट करो, मैं जब तक चलती हूँ फायजा ब्यूटी क्रीम की जानेब, और हम इसको शिफ्ट करते हैं, आप जब तक इसको इधर प्रेजेंटेबल बना दो सॉस वगैरह डाल के, और यस सॉसेस, हम लोग साथ साथ देखिए ना, बिल्कुल घरेलू माहौल हो गया हमारा। मैं चाहती हूँ कि मैं असल में जो बच्ची काम कर रही होती है ना, मैं चाहती हूँ उसका कोई काम रहे ना, वो बड़ी बड़ी बॉल पीछे कर दो, ताकि आपकी जो है ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर ये डिश जो है प्रेजेंटेबल डन हो गया जी। हनी मस्टर्ड सॉस की रेसिपी मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये कुछ रेसिपी बता रही है हम, इसके पहले देखिए, फिर हम फायजा की जानिब चलेंगे। 4 टेबलस्पून मायनीज जी, हनी मस्टर्ड सॉस है, 4 टेबलस्पून मायनीज में हम डालेंगे, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, ओके, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हनी, डन। ओहो, हनी भी है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग अच्छी किया करें, ताकि आपने जो है ना, जब आप टेस्ट करेंगे तो अलग अलग से फ्लेवर ना। पिंच ऑफ इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, पिंच, एक चुटकी, ओके, देन एंड 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर काफी स्पाइसी सा हो गया, अच्छा फ्लेवर आएगा। हाँ हाँ, वो तो ऑफ कोर्स अच्छा फ्लेवर तो आएगा ऑफ कोर्स। ये हमारी इजी रेसिपी थी डिप की, वाओ, ये रेडी हो चुका है। हम इसे इसमें इसमें डालने के लिए इसमें डाल दीजिए, यस, ये हो गई है डिश विद ये क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स विद हनी मस्टर्ड सॉस। ये हो गई शेफ रबिया की डिश रेडी। अच्छा जी, हम इस साइड पे लगा दें, ओके, डन इट। अच्छा हनी, ये उस साइड पे ले जाओ, ताकि आपकी जो है ना, ये लीजिए,
बेहतरीन और जबरदस्त रबिया, थैंक यू सो मच आपके आने का और एंड डिश बनाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको यहाँ आना? बहुत अच्छा लगा। हवाई दे में कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? मैं सुमैया बात कर रही हूँ, कौसम से। अरे सुमैया जी, हाउ आर यू, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अभी मुझे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना था, मुझे बहुत खुशी होती है आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जो भी स्मॉल SMEs वाले हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, उन सबको आप प्रमोट कर रही हैं, तमाम के बिजनेस को, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू मेरी प्यारी बहन, आप खुद इतनी हार्ड वर्किंग हैं और आगे लोगों को प्रमोट करने वाले, तो समझने एक खास हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज होते हैं, और सुमैया जी आप उनमें से एक हो, और हमारे दरमियान अगर आप जैसे लोग हो तो इन जैसी खवातीन को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। क्या बनाएंगे आज, ये पूछा ना रबिया से पूछे। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बना रही हूँ। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बना रही है, ये बनाया है, सॉरी बना लिया इन्होंने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, हमारा हम कहते हैं ना शाना बशाना, जितने मर्द हजरात के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, तो ऐसी खवातीन जो अपने घर को और इंशाल्लाह और मुल्क के खिदमत में भी आगे बढ़ के आगे आएंगी इंशाल्लाह। रबिया कैसा लगा आपको यहाँ पे आना? अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चले जी, यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा सेगमेंट है ये मैं कर लूँ, उसके बाद फिर हम जाएंगे ब्रेक की, और ब्यूटी सेगमेंट को ना भूलेगा, लेकिन सरप्राइज के बारे में तो बताना मैं भूल गई, और हमेशा मैं देती हूँ सरप्राइज, और वो सरप्राइज किसकी जानिब से है? जी हाँ, प्राइजेस की जानिब से, और वो प्राइजेस कौन दे रहा है? वो है फाइजा ब्यूटी क्रीम, 2231 90 पूनिया ब्रदर्स की जानिब से, और अब उन्होंने कहा है कि प्लीज डोंट परचेज द बैग, ऑफकोर्स आप बैग लेने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट 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 खेले और जीते बड़े बड़े इनामात, और इनामात है ढेरों, और ये है आने वाली जबरदस्त फाइजा ब्यूटी क्रीम प्रेजेंट्स बिगेस्ट एग्जीबिशन एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए, और है एग्जीबिशन उन लोगों के लिए जो अपने स्किल्स को एज अ कुकिंग में, अपने हैंडमेड चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में प्रमोट करते हैं, उनके लिए ये एग्जीबिशन है, फैमिली उसमें आ सकती है, और फिर उसमें होगा ज़बरदस्त किस्म का गेम शो, उसमें आप जीतेंगे, खेलो और जीतो। अच्छा जी, ये है फाइजा ब्यूटी क्रीम से मैसेज और बहुत सारे आपके लिए तोहफे। अच्छा अब लेंगे हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी, लेकिन ब्यूटी सेगमेंट का पैकेज ना देखना भूलिएगा, सरप्राइज तो अब इसके बाद होगा। गुड मॉर्निंग विद सभी, और ये है कौन सा सेगमेंट, वो है आपका फेवरेट सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम क्या है, ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटिशियन जो है इसमें भी आप ये मत सोचा करें कि ये है ग्लैमर सेगमेंट, नो वे, इसमें है सीखने का, सिखाने का, बताने का, आगे बढ़ने का है सेगमेंट, और यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हैं
एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं और उनके जब उन्होंने वर्किंग शुरू की उनको कम से कम किसी को 20 साल किसी को 25 साल इतना इतना टाइम यानी कि इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन उन्होंने अपने प्रोफेशन को दिया. ये इंस्पिरेशन होती है और उन ब्यूटिशियंस के लिए भी जो आगे बढ़ना चाहती हैं अगर वो उनसे मैसेज लें कि ऐसे कैसे बढ़ा जा सकता है तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत आसानी होगी और वो उनको उनको देख के सीख सकते हैं. और इसमें कोई शक नहीं है वो बहुत डिफरेंट ऑफ कोर्स उनके सैलून उनके दो दो तीन तीन ब्रांचेज हैं और डिफरेंट उनसे बच्चियां सीखती भी हैं जिसमें हेयर स्टाइल भी सीखती हैं मेकओवर भी सीखती हैं और इसके अलावा ये भी होता है कि ग्रूमिंग वो बहुत अच्छा करती है. वो खुद इतनी ग्रूमिंग प्रेजेंटेबल पर्सन है तो ऑफकोर्स मैं उनसे यही कह रही थी भाई क्या बात है कहीं स्टेम लगा दिए आप ऐसी सदाबहार नजर आएंगी. तो वो हंस रही थी और नो डाउट वो कहीं आप मुझे देख मैंने शॉकिंग कर देती हैं आप मुझे ना. तो मैं जब नाम लूंगी एक बड़ा नाम एक सुपर नाम और अगर मैं कहूँ कि एक आइकॉन लेडी तो मेरे पास शायद ये अल्फाज भी कम पड़ जाए. बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी इंडस्ट्री में बिगेस्ट नेम रिजवाना खान फ्रॉम ज़ारा सलून से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? मैं ठीक ठाक. बेहतरीन प्रेजेंटेशन होती है आपकी बेहतरीन काम होता है बहुत डिसेंट सोफिस्टिकेटेड. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि काम से लगन लाइक शुरू से ही बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को इन्वॉल्व रखा है इसलिए बस यही चीज़ें शादी फिर बच्चे उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ और बस अब तक प्रोफेशनल लाइफ बच्चों को इस काबिल किया एजुकेशन दिलवाई हाईली एजुकेटेड हैं और सैलून मेरे माशाल्लाह 3 हैं और अब हमारी एक ब्रांच गुलशन में बन रही है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ओपनिंग होगी उसकी. अच्छा, आपको हम जरूर. अच्छा मुझे याद है एक तो आपकी सबसे पहले वाला कहाँ था? नॉर्थ नाज़. पहले तो मैं इराक में रहती थी. अच्छा फिर नॉर्थ नाज़ में. नॉर्थ में आ गए फिर उसके बाद बहादराबाद पे. ओके बहादराबाद. अब जमजमा पर था. अच्छा ठीक है सॉरी. अच्छा, जमजमा पर है और अब गुलशन में इसकी ब्रांच है. गुलशन में मेरे साथ एक और बड़ी अच्छी सी खातून है वो भी होंगी क्योंकि इतनी सारी चीजें अकेले संभालने के लिए बहुत सारी वो चाहिए लोग चाहिए और एक मतलब ग्रुप होता है जो कि चलता है साथ साथ. अच्छा एक मैं नाज़रीन से भी कहना चाहूंगी क्योंकि एक इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है यहाँ पर रिजवाना खान फ्रॉम ज़ारा सैलून. एक बिगेस्ट नेम है ज़ारा आज का नहीं है हम बचपन से ज़ारा सैलून का नाम सुनते आ रहे हैं. हाँ तो मेरे सैलून को माशाल्लाह अभी ये 40th एनिवर्सरी है हमारी. माशाल्लाह मैंने बिल्कुल ही शादी के बाद शुरू किया था बहुत छोटी उम्र में शादी थी पठान हम लोग फैमिली से. 40 यू नो अबाउट 40 मेरे खुदाया और मैम ऐसे लग रही है जवान जवान तुसी मेरे जवान जवान माशाल्लाह अपने आपको यानी एक बात बताओ यू आर सिंसियर आप बहुत सिंसियर हैं अपने पैशन को भी अपने हुनर को भी दूसरों में बांट रही हैं और इतनी सारी स्टूडेंट आपसे बच्चियां पास. आज आपने एक बार कहा था शो में मुझे अच्छी तरह मेरे शो में कि जिनकी शादी होती है वो आज अपनी बेटियों को भी बेटियों को ला रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि वो जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी आज वो बहुत वेल ऑफ तरीके से रह रही हैं और अपने सैलून चला रही हैं. बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे वो मॉडल्स जो बिल्कुल एंटर हुई थी उस वक्त और उन्होंने अपने आप को मतलब मुझसे कराया उस वक्त तो उनकी कंडीशन कुछ और थी अब उनकी कंडीशन कुछ और है. अब मतलब मैंने तो एक पूरी वो देखी है ना अपनी मतलब एक पूरे क्या कहते हैं सदी जो होती है वो देखी है तो उसमें यही हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा सबकी तरफ मेहनत की सबको आगे बढ़ाया. अब जो है जो गुलशन में जो हमारा सैलून खुल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं लाइक स्किन से मुतालिक हेयर से मुतालिक लेटेस्ट मेकअप है. ज़ारा खान भी एंटर हो गई यही तो पता ही आपको तो ये है जी. आपने अपनी डॉटर को भी माशाल्लाह इतना प्यारा वो मेकओवर करती हैं बहुत ज़्यादा. मैं एक बात कहना चाहूँगी मेरे दिल से एक आवाज़ निकल रही है कि जहाँ पर आइकॉनिक लेडीज एज अ ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसे नबीलाज हैं मुसर्रत मिसबा हैं वहाँ पर रिजवाना खान का नाम सरफहरिस्त है. आप उन खवातीन में जिन्होंने अपने काम को दिखाया और ये बड़ी बात होती है और इस तरह
हमारे दरमियान जब इस तरह की खवातीन अपने काम को एक मोटिवेशनल मैसेज बन के आगे आती है, तो वहां पर बैठे हुए एंटरप्रेन्योर्स वुमेन से या जिनका एक रूम में सलून है, वो कभी अपने आप को डिग्रेड या डीमोटिवेट ना समझे, या वो समझती है कि वो कभी कुछ नहीं कर सकती। देखिए हर जगह पर हर खातून को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो फेस करना सीखें और फिर इस तरह आइकॉनिक लेडी बन सकती हैं। हम बात करेंगे, अभी इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। कोर्स करना हो ब्राइडल मेकओवर के लिए, अगर इनके पास जाना हो, हमें जरूरत है अच्छी ब्यूटिशियन की, हेयर स्टाइलिस्ट की, क्योंकि हम गुलशन में जो बना रहे हैं अच्छा, अच्छा। उसके लिए हमें जरूरत है हेयर स्टाइलिस्ट, अच्छी बात हो गई। हाँ, मेकअप हो ताकि लड़कियों को जॉब भी मिलेगी। देखिए इससे हमारे जो आउटलेट बनते हैं उससे हमें फायदा तो होता ही है, लेकिन पब्लिक को बड़ा फायदा है। इतने सारे लोगों की जॉब होती है, उनके घराने खुशहाली से जिंदगी बसर करते हैं, ये अच्छी हैंडसम जॉब होती है, कोई ऐसी छोटी मोटी जॉब नहीं होती है, अच्छी जॉब होती है, लड़कियां बहुत अर्न कर रही होती है। देखिए कितनी पॉजिटिव सोच है इनकी कि सैलून तो ये अपना ही बना रही है, लेकिन इससे क्या होता है और खवातीन को भी आगे आने का मौका मिलता है बहुत, और उनके घर भी इससे चलते हैं, रोजगार में इजाफे की बात हो गई। आप जो कह रही हो ना कि ये मेरी पर्सनैलिटी के मुतालिक, तो मैं ये कह रही हूँ कि मे बी कि ये किसी की दुआएं हों, क्योंकि बहुत लोगों का हमने करते हैं, ख्याल करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, कोई उनके साथ चीटिंग नहीं करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पुश करते हैं, आगे बढ़ो, काम सीखो, काम करना सीखो और रास्ता सही इख्तियार करो, गलत रास्ते से मत जाओ, और ताकि ये कि आपको आगे बढ़ने में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की बात ही और होती है, और शॉर्टकट से आगे जाने वालों की बात ही और होती है। बिल्कुल। अब ज़ारा सैलून बाय रिजवाना खान के नाम से है, तो बेतहाशा ज़ारा खोलनी है लोगों ने इंस्पायर होके। अब ज़ारा खान जो है वो तो लंदन से पढ़ के आई है थ्रू आउट, उसको फिर मैंने ये ट्रेनिंग दिलाई और फिर हम लोगों ने ये काम जो है उसको एंटर किया। हालांकि वो इस फील्ड की नहीं थी, मगर वो इतना अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह, इतना अच्छा काम कर रही है और ट्रेनिंग भी दे रही है, जबरदस्त। उसका काम तो आपको पता ही है कि हमारा जो है ज़ारा सैलून, हैशटैग ज़ारा सैलून ऑफिशियल के नाम से, तो वो लोग देखें, पता चले कि क्या काम नहीं नहीं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन्होंने एक सोचा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो कि आपने गुलशन इकबाल में ब्रांच और फिर ये इंशाल्लाह एक बड़ी क्लास भी आपके साथ एक की जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि अभी जरा सा आपका सैलून वगैरह भी रन ऑन हो जाए तो फिर हम इसके अच्छा ये बताइए आजकल का, ऑफकोर्स आपके पास बहुत रश बहुत होता है, ये जब भी मुझे कहती है आ जाओ मैं यार, मुझे बहुत बहुत है क्योंकि माशाल्लाह चाहे इनके आप भादराबाद पे चले जाएं या नॉर्थ नाजमाबाद में, नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक हॉल में, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है कि बंदा अपने बात डिलीवर भी कर सके, नहीं, तो वहाँ बात नहीं हो सकती है एक्चुअली। बात जो होती है या तो आप घर पर हम करते हैं या फोन पर करते हैं, ऑफिस में बहुत आना जाना बहुत रश माशाल्लाह। अच्छा भाई तो मैंने कॉलर बात कर ले इजाजत है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन जी? मेरा नाम जवेरिया है। जवेरिया कहाँ से कॉल की? हैदराबाद से बात कर रही। हैदराबाद से जी। जवेरिया प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं प्रोग्राम देख रही हूँ और मैं रिजवाना जी को भी देख रही हूँ। इनको हम मैंने कभी लाइव देखा नहीं था, आज तभी अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इनको लाइव देख लिया। आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और इनके ट्यूटोरियल बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और मुझे इनसे कुछ पूछना था। जी जी पूछिए, सवाल कीजिए इनसे। जी मुझे ये पूछना था कि क्या ये सिखा सकती हैं हमें, मतलब ब्यूटिशियन का? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ कोर्स नहीं कर सकते तो क्या हमारे लिए क्या कर सकती हैं ये? चलिए ठीक है ठीक है, अब इनको हम आंसर देते। अब आप इनको बताएं ये कुछ शायद सीखना चाह रही है, लेकिन इन कहते हैं कि अगर थोड़ा कम बजट में हमारे लिए कुछ इनके लिए है पैकेज। देखिए मैंने तो बहुत सारी लड़कियों को ट्रेन किया है और उन लड़कियों ने मुझे काफ़ी धचके भी दिए हैं सीखने के बाद, प्रॉमिस करने के बाद उन्होंने हमें नुकसान भी पहुँचाया है और घरों पर जाके काम किया है नंबर हमारे यहाँ से लेके, तो ये तो वो लोग करते हैं, उनका उनको हमने खुदा पे छोड़ दिया कि वो हिसाब करने वाला है। लेकिन मैंने जिन लड़कियों को सिखाया विदाउट पेमेंट भी सिखाया है और उनको अपनी यहाँ साल साल रख के भी सिखाया है, उसके बावजूद कई दफ़ा मेरे साथ ही क्या सबके साथ ही होता होगा कि वो घरों पे जाके
नंबर लेके काम करती हैं, तो आप आइए मेरे साथ, देखूं मैं आपकी, अब आपको एक फॉर्म भरना होगा कि अगर जो है आप सीरियस हैं सीखने में तो ज़रूर मेरे पास आइए, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। क्या बात। अच्छा मैंने एक बात आपकी भी नोट की है, मुझे नहीं मालूम था, अब ये भी मतलब एक ऐसा कदम अभी सरप्राइज दिया आपने मुझे कि मैं विदाउट एनी चार्जेस के आपको सिखाऊंगी। सिखाया मैंने, मेरे जो वर्कर्स हैं सारे मैंने पैसे थोड़ी लिए। अच्छा। जारा ने इतने अच्छे अच्छे मेकअप सिखाया, अब उनका ये है कि वो उन्होंने नंबर लिए, मतलब काम कर रहे होते हैं चुपचाप से नंबर दिए, उनसे नंबर लिए और वो जाके घरों पे काम कर रहे हैं, तो खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह आपकी चौथी ब्रांच खुल रही है, आपको क्या फर्क, आपको तो कुछ, या उनकी सिंसियरिटी है ना, ये उनकी ये उनका ईमान है, बिल्कुल बिल्कुल वो जाने, उनका ईमान जाने, लेकिन हमारे पे फर्क अल्लाह के फजल से नहीं पड़ता। क्या बात है। अच्छा आज मुझे बताएं कि माशाल्लाह मैं आपको सोच रही थी यार 40 साल पहले रिजवाना जी कैसी होंगी, और 40 साल पहले बताऊं कैसे, सही ना रिजवाना जी 40 साल पहले कैसी होंगी और फिर कैसा मेकओवर होता होगा और फिर 20 साल के बाद कैसा होता होगा, फिर अब कैसा, क्या डिफरेंस लगा आपको? देखें 40 साल पहले मैं बहुत छोटी थी, पठान फैमिली से थी और उसमें मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी गई। उससे भी मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है, तो हम बगदाद में थे, वहाँ तो मैंने उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वहाँ बहुत ब्यूटी का था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा जैसा कि यहाँ अब है ना, वहाँ उस ज़माने में वैसा था। तो वहाँ पर मैं जॉब करती थी, मैंने सीखा वहीं से, काम किया। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मैंने घर में ही शुरू किया। अच्छा जी, इसको आपने कंटिन्यू करना। समीना अंसारी हमारे साथ कॉल पे है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सभी? बड़े बड़े मेहमान बुला रही हैं आप अपने प्रोग्राम में, माशाल्लाह। तो कौन नहीं जानता कौन नहीं जानता, अच्छा इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान जानता है इनको, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवाना जी से कुछ बात करनी है आपने? बिल्कुल जी, बात कीजिए। वालेकुम रिजवाना जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। मैं समीना अंसारी बोल रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ आपको, आपसे मुलाकात भी हुई है, माशाल्लाह आपका बहुत नाम है इंडस्ट्री में, फाइनल्स में से आप हैं जी, बिल्कुल बहुत जमाना हो गया करते हुए नहीं लेकिन अभी भी माशाल्लाह यू एंड योर children are doing very well, your daughter is doing very very thank well you, in the field. सबीना जी आप खुद इतना बड़ा नाम है लेकिन देखिए आपकी फैन रिजवाना जी। नहीं नहीं, इनके सामने तो मैं भी सीख रही हूँ, इनके साथ तो खैर सवाल ही नहीं पैदा, ये तो उनमें से हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया है, कुछ लोग नाम है, तो आप मुलाकात करें ना, आए हमारे पास आए प्लीज, हमें बुलाएं। बिल्कुल आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी आपके पास, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी दे, आपकी बेटी को बहुत बहुत कामयाबी दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच समीना जी। देखिए ये मोहब्बत है कि इतनी सीनियर है, नहीं बहुत सारे लोग मुझसे बहुत, जब ही तो मेरा ख्याल है मैं अभी तक कायम हूँ वरना तो मेरे जो साथी काफी हैं वो रिटायर हो चुके हैं। वो यही कह रही कि इंडस्ट्री को इनिशियली इब्तदाई उसमें आपने बूस्टअप किया और अभी तक लेके चलना बड़ी बात होती है, और बड़े नाम को कायम रखना बड़ी बात है। ज़ारास का नाम जो है, ज़ारास सैलून का, तो उसमें मतलब उसको एक स्टैंडर्ड पे रखना बड़ी बात है, ब्रांड बनाना एक ब्रांड नाउ बहुत इतना नोट। अच्छा आप बता रहे थे कि आपने, आपके हस्बैंड ने आपको जो है सपोर्ट किया? मेरे हस्बैंड ही को शौक था। अच्छा। क्योंकि घर का मर्द अगर इंटरेस्ट लेना किसी चीज में तो ये औरत आगे बढ़ती है, ये बात तो बिल्कुल, अगर अगर मर्द ही मुखालफत करे और लड़ाई झगड़े कर दे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती। उनको इतना शौक था कि मैं कुछ करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मेरी तो एज ही बहुत कम थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं क्या कर सकती हूं, तो फिर कहने लगे टीचर बन जाओ, मैंने कहा ना आई डोंट लाइक टीचर, क्योंकि मैंने इतना उस वक्त पढ़ा, बाद में पढ़ा है मैंने तो कम्प्लीट बाद भी किया। बहरहाल मैंने, मुझे ये शौक था ब्यूटी का, पता नहीं कैसे था, जबकि खानदान में कोई दूर दूर नहीं, बहुत मजहबी बहुत पर्देदार फैमिली, देखो कहाँ से इस तरीके से फिर मैं सीखा, सीखते 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 बहुत सीखा, ज़ारा को भी बहुत सिखाया, बाहर लंदन में उसने अपने वो ग्रेजुएशन की, बेटे ने मेरे यहाँ पर किया और अब बिजनेसमैन है बहुत अच्छा, एक बेटा मेरा माशाल्लाह अमेरिका में है,
अच्छा एक और कॉलर आपके देखिए मोहब्बत करने वाले शमा आप अस्सलाम वालेकुम शमा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ। हाँ शमा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। थैंक यू शमा जी। जी शमा से तो मुलाकात थी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और शमा मैं आपसे, आप मेरे सैलून पे आए, मुझे आपसे बहुत सी बातें भी करनी। ये हमारा नेशनल प्रोग्राम हो गया लाइव। और शमा जी जी आप देख रही हैं, आपने रिजवाना खान साहब आज हमारे मॉर्निंग शो में गेस्ट आ गई हैं। हाँ जी 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 इंशाल्लाह तो हम लोग भी जरूर आएंगे रिजवाना, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपसे देखती हूं। हाँ मुझसे जरूर मिले। शमा जी ये बताएं रिजवाना साहब का, आप खुद भी सीनियर है माशाल्लाह और फिर भी देखिए वो आप रिजवाना जी को इतना पसंद करती है, ये बताएं इनका काम आपको कैसा लगता है, कितने साल से ये काम कर रही है? ये तो मेरे ख्याल में अबाउट 40 इयर्स काम कर रही है। अमेजिंग अमेजिंग काम है इनका, वेरी हार्ड वर्किंग। और अब तो सारा इनकी बेटी भी इनके साथ है काफी अच्छे से, शी इज ऑल्सो एन अमेजिंग आर्टिस्ट। और ये तो बहुत हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा काम करने वाले, वेरी नाइस ह्यूमन बींग, मोटिवेशनल मैसेज ये कि ये खुद भी बंदी इतनी सीनियर है शमा जी और वो रिजवाना साहबा की तारीफ कर रही है ज़ारा सैलून से, तो इनकी तारीफ करेंगे, ये है बड़े पन का मुजाहरा। और माशाल्लाह जो है ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फाबा की और रवाना भाभी के माशाल्लाह साथ साथ होती हैं, और अल्लाह पाक रवाना भाभी को भी, क्योंकि फाबा का एक बड़ा नाम है, एक ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको भी अल्लाह पाक हमने रुहाना ने और बहुत सारी और ब्यूटिशियन सीनियर हैं, हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किए, बहुत ट्रेनिंग ली, बहुत कंपटीशन में हिस्सा लिया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रुप था, हम लोग जाते थे और बहुत बहुत अच्छा था। और अब जो है वो बात पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, फिर मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चों में बिजी हूँ, तो घर है और बस इसके अलावा नहीं। आपने तो माशाल्लाह इतना कुछ हुनर अपने अंदर समो लिया है कि अब वो बांट रही हैं। अच्छा आपने मुझसे सवाल किया था कि जब मैंने मेकअप किया था 40-20 और हम ये बात कह रहे थे। अच्छा मेरी जो वो ब्राइड जो कि जिनकी बच्चियों की शादी हो चुकी है और जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, जी जी, वो मेकअप अगर मैं उठाऊं तो वो आज के मेकअप से मैच कर रहा है। अच्छा हाँ, क्योंकि देखिये दोबारा वैसे ही हो जाती है चीज। अच्छा। तो वो वापस वहीं चली गई है, तो वो मेरा मेकअप अगर मैं लगाऊं अपने सैलून में तो उसमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। क्योंकि मेरा वो मेकअप आज भी लोग कहते हैं ऐसा मेकअप करते, ये कितनी अजीब बात। अच्छा, कौन सा ऐसा दौर था जब ग्लिटर एंड शिमरी ऐसा चमक दमक वाला और चमक, बीच में ग्लिटर बहुत हो गया था आइस पे और आइस पे एक्स्ट्रा हो गया था। नहीं नहीं एक्स्ट्रा नहीं, मैंने मुझे तो याद नहीं कि कोई एक्स्ट्रा नॉर्मल चलता था ये। हाँ okay. लेकिन अब जो है वो ग्लिटर कम हो गया। okay. ग्लिटर नहीं है, शिमर, शिमर। अच्छा, शिमर कर, शिमर। okay, so शिमर में लेकर। शिमर में जो है वो बहुत अच्छा है, ग्लॉसी फेस लगता है, स्पेशली ज़ारा का जो मेकअप है वो बहुत ग्लॉसी होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। okay, okay. और मैं तो खैर अब लुक आफ्टर करती हूँ मगर मुझे क्या जरूरत है अब करने की। अच्छा एक बात बताए माशाल्लाह आपका जमजमा पे भी है, नॉर्थ नाजमाबाद में भी है और इसके अलावा भादराबाद पे मेन चुरंगी पर है, तारिक रोड पे जिसे कहते हैं हम लोग करीब, भादराबाद सॉरी भादराबाद पे। अच्छा जाते हम तारिक रोड से तो जहन में वही एक अवे है लाइक हम यू कह सकते हैं। अच्छा हालांकि अंदर अंदर को है मगर दुनिया पहुंचती। अरे नहीं भाई हम कहीं कोने पे भी, वो भी बता देगा ज़ारा सैलून का। आप कितने साल, मेरे ख्याल में भादराबाद से बहुत टाइम पे है, भादराबाद पे 25-30। तो फिर अब आप कैसे कह सकती हैं
अब आपको क्या है कि गुलशन इकबाल में भी एक ब्रांच है कि वहाँ से भी आपको आप चाहते हैं कि एक्चुअली चाहते हैं उनके लिए नियरेस्ट हो जाए? एक्चुअली अब क्या हो गया है कि हम अपने आप को चेंज करते हैं. ओके हमारे लोग जो है जो करने कराने वाले हैं मुल्क का वो तो चेंज नहीं करते. सड़कें बेकार हो चुकी हैं, ट्रैफिक बेतहाशा हो चुका है, पब्लिक की बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ चुकी है, तो उनके लिए अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाना बड़ा मुश्किल होता है. तो मेरा बहादुराबाद जो है वो नॉर्थ की कराची की साइड से लगता है और गुलशन से भी लगता है, लेकिन फिर भी लोगों के बेहद इसरार पे मैंने गुलशन में बनाया. बहुत लोग हैं, लोग तो मेरे पीछे कोयटा, इस्लामाबाद और दुनिया भर में कह रहे हैं कि चाहते हैं, मगर मैं सिर्फ उन लोगों को फ्रेंचाइज देना चाहती हूँ जो सिंसियर हो. मुझे नहीं मालूम कि बाद में वो क्या करें, मेरा इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद नाम ख़राब हो जाए, ये बात तो फिर इसलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है. खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि अपनी रेपुटेशन भी देखी जाती है. बिल्कुल ठीक है ये कि किस तरीके से हमें अपने अपना नाम को कायम रखना है. तो मैं इस तरह से हर खास आम को वो देती नहीं हूँ. मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ, इस वक्त जो है रिजवाना खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और जो है इनका सलोन है ज़ारास, और आज का नहीं 40 साल का एक्सपीरियंस इनका जो है, और यकीन करें जो भी लेडी जो भी ब्यूटिशियन इनसे कोर्स करेगी तो समझ लें कि उन्होंने अगर समंदर की जो गहराई है अगर इनसे सीख सकती हैं तो सीख लें. और इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है. हम लोगों ने आपके लिए ज़रा ईजीएस्ट कर लिए, कुछ कॉल्स हम ले लेते हैं लेकिन कुछ कॉल्स इस नहीं ले पाते, इसीलिए हमने चाहे कि इनका नंबर डिस्प्ले हो जाए. आप इनसे कोर्स सीख सकती हैं और अगर आप कुछ सीखी हुई हैं, अगर आप कुछ हेयर स्टाइल एक्सपर्ट हैं, मेहंदी एक्सपर्ट हैं या मेक ओवर आपको बहुत अच्छा आता है, आप इनको जाके डेमोस्ट्रेट दें तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे रही हैं भाई, बड़ी बात है. यकीन करें इतनी सारी ब्यूटीशियन आई है, देन नोबडी से अभी तक उन्होंने सिर्फ अपना ये कि भाई ठीक है आप आके कोर्स करें, लाइक ये बड़ी बात है कि कुछ ब्यूटिशियन ऐसी हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है और उनके एक एक रूम के सलून है, लेकिन वो चाहती है कि हम हुनरमंद तो हैं लेकिन हमारा बिजनेस इतना नहीं है तो चलो जॉब भी कर लें, तो वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी. जो एडवांस कोर्सेज करें जिनके छोटे सलून है वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन हमें जो इस वक्त डिमांड है वो है हेयर स्टाइलिस्ट. हेयर स्टाइल आते ही नहीं है भाई किसी को. अरे वाकई हेयर स्टाइल करना नहीं आते, केमिकल वर्क आ जाता है, सब आ जाते हैं, हेयर स्टाइल करना नहीं आता. और पार्टी मेकओवर में देखिए ब्राइड को तो ये होता है कि उसका दुपट्टे से कवर हो जाता है लाइक, लेकिन पार्टी मेकओवर अक्सर मैंने देखे, अब एक ही घर में बहने फुपियां चाचियां मम्मियां वो सब देखम देखे अच्छा आप जा रहे हो सैलून, अच्छा मैं भी जाऊंगी. ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि वो तमाम ब्यूटिशियन जरा हेयर एक्सपर्ट भी हो, वो बड़े बड़े जूड़ों से बेहतर है. नहीं अब जो एक जमाने में आया था ना, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जूड़े बन रहे थे और बाल आगे पड़े हुए थे, अब वो बिल्कुल नहीं है. लोग जो है बहुत सादा हो गए हैं और उन मेरे यहाँ जितने भी आते हैं, मैंने मेरे यहाँ मैं चाहती हूँ कोई स्टाइल बनवाना, मगर वो कहती है नहीं मुझे जो है वो भाई आप प्रॉमिस करें नेक्स्ट आप वेनेसडे को आएंगी यहाँ पर एक छोटा सा कुछ हेयर स्टाइल सिखाएंगे या अपनी जो भी वर्कर अगर वो आपकी हेल्पिंग हैंड बनती है आप हमारे से डिस्कस करें, उनसे कहें कि देखिए गाइड तो आप ही ने किया ना, तो आप उनसे कहें कि ना ऐसा हेयर स्टाइल बना आपकी मॉडल अगर जरूर मैं दूसरे की एक्चुअली मैं दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी इसलिए नहीं लेती, टाइमिंग्स बड़े आपके शॉर्ट होते हैं, जैसे आना ट्रैफिक में फिर सुबह सुबह उठना. करूंगी मैं इंशाल्लाह, तो ये चीज आप अगर सलून में रिकॉर्ड कर लें तो बहुत अच्छा होगा. ठीक अच्छा जी आपने मेरे साथ ही रहना है ठीक है, और इनका आप देखते हैं एक जबरदस्त किस्म का पैकेज जो ये काम कर रही हैं और ये इनकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम आपको कुछ अच्छा सा मेकओवर भी दिखाएंगे, लेकिन सीनियर ब्यूटिशियन और जूनियर ब्यूटिशियन हो लेकिन कितना जबरदस्त काम होगा ये भी हम देखेंगे. यहाँ पर लेंगे हम छोटे से ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड रिजवाना खान के साथ. Thank you.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। और आपके साथ इस वक्त क्या चल रहा है? जी हाँ, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन, और इसके अलावा एक है जूनियर, लेकिन मैं जूनियर नहीं कहूँगी, उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है। और जब ब्यूटी सेगमेंट की बात होती है तो हम सबको यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं, और ये सीनियर लोग भी जो मैंने देखा है वो भी आने वाले ब्यूटिशियन को वार्म वेलकम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। एक और ब्यूटिशियन हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत ही प्यारा काम करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह छकास काम करती है, इस वक्त मौजूद है नाहिद वसीम। अस्सलाम वालेकुम, टॉप केयर ब्यूटी जोन से नाहिद। अच्छा, वो आते ही शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह, इनको पीबीआई प्लेटफॉर्म से बुलाया गया क्योंकि इन्होंने कैलोन की ब्यूटी वर्कशॉप की जो है ना फौरन उन्होंने पास रिव्यू, उनका मुझे पहले बुला लीजिए यहाँ पर। कैसा लगा यहाँ पर आना? बहुत अच्छा लगा मुझे, जबरदस्त जबरदस्त लगा। माशाल्लाह भाई, काम भी तो तुम्हारा इतना प्यारा है, देखो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में चाहूंगी, थोड़ा हो जाए फिर आप आई मेकओवर स्टार्ट कीजिए। बताइए क्या क्या आपने स्टेप किया? सबसे पहले मैंने बेस लगाई है, बेस के बाद फिर मैंने आईलाइनर लगाया है, लाइट सा लाइनर के बाद फिर लैशेस लगाई है, फिर उसके बाद मैंने आई मेकओवर किया। इसे हम कौन से पार्टी मेकओवर कहेंगे, वलीमा कहेंगे, इसको हम मॉडल मेकअप कहेंगे? मॉडल मेकओवर है। गुड जी, मॉडल मेकअप है, जबरदस्त। वाओ, तो हम आई मेकओवर पे सबसे पहले आई क्लोज कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या लगाया था बेचारी, जो हो गया वो जरा बता दीजिए। जी, सबसे पहले मैंने हाइलाइटर लगाया है। ओके, हाइलाइटर के बाद मैंने ये लगाया है, ये बेस लगाई है। ठीक है, फिर बेस लगाने के बाद मैंने आई शेडो लगाया लाइट पिंक कलर। अच्छा, फिर ग्लिटर लगाई है, जबरदस्त। अच्छा, मॉडल मेकअप मैंने कहा जो सूट का कलर है वो थोड़ा सा आई से बहुत मैच कर रहा है आजकल तो। अच्छा, ज्यादातर गुड है, गुड है, गुड है, मैचिंग का। चलिए राइट, आप ये ना आपका रह जाए प्रेजेंटेशन, आप कंटिन्यू करें, साथ साथ हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं हमारे नाज़रीन से। नाहिद वसीम इस वक्त मौजूद हैं और बहुत प्यारा काम करती हैं, और मैं इनको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा मैंने देखा है कि कुछ हिडन टैलेंट होता है, बहुत प्यारा काम करने वाली खवातीन होती हैं, लेकिन वो कभी भी उनको मोटिवेट नहीं किया जाता आगे आने से, ज़रा सा उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। थैंक गुड मॉर्निंग विद सभी का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर आप अपने टैलेंट को एनहेंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, और यही पॉजिटिविटी हमारे दरमियान होनी चाहिए। किसी भी फील्ड में आप कभी भी आपको टैलेंट नज़र आए देन उसको अप्रिशिएट करें। मेरे दरमियान में ऑफकोर्स रिजवाना जी मौजूद हैं। रिजवाना जी, सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उसमें आपको चाहिए कि जो आने वाली नस्ल है उसको इस काबिल करें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और ये तो मेरा एम है और मैं करती हूँ। लेकिन जो है सीखने वाले में भी एक वो होना चाहिए कि मैं कुछ सीखूं, और थोड़ा सा सीखने के बाद लोग समझते हैं मुझे सब कुछ आता है। किसी को कुछ नहीं आता, इवन मुझे भी कुछ नहीं आता। हर वक्त ज़माना बदलता है, स्टाइल बदलता है, मेकअप बदलता है, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप हर वक्त जो है लेटेस्ट जो टेक्निक है उसको लेते रहें। हमारे यहाँ से जो लोग छोड़ के जाते हैं सैलून, मतलब शादी हो गई, कहीं कुछ चले गए या भाग गए, किसी और के ने उसको ज़्यादा पैसे दिए वहाँ चले गए, तो वो लोग वहीं ठहर जाते हैं जहाँ से जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। वो लोग या तो बाद में छोड़ देते हैं या कोई और काम शुरू करते हैं, क्योंकि वो हम उनको रोजाना, ट्रस्ट मी, रोजाना उनको चेक करते हैं, आज तुमने ये करना है आज। क्योंकि हम लोग ज़ारा बाहर जाती है, मैं जाती हूँ, हम लोग लेटेस्ट टेक्निक लेकर आते हैं, और हमारा तो एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि। अच्छा मैम, आप एक्सपीरियंस की बात करें, शिराज भाई हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी आवाज और इनका काम जरा सा, क्योंकि ना ब्यूटिशियन देख रही होंगी ना तो वो क्या लगा रही हैं, और कुछ नाहिद अगर कुछ बताना चाहो तो मुझे बता सकते हो कि ये मैंने स्पेशल कुछ चीज ऐसी है जो मैंने जो स्पेशल चीज लगाई वो इसके अंदर ये है कि मैंने हाइलाइटर जो लगाए वो चंक्स नहीं लगाए मैंने, जैसे आजकल चंक्स चल रहे ना मोटे मोटे, मैंने बहुत बारीक सी डस्ट लगाई है, इससे ये होता है कि सॉफ्ट लुक आता है, वो नजर आ रहा है स्क्रीन में माशाल्लाह, सॉफ्ट लुक आता है इससे, और इस वजह से ये फिर ज्यादा ब्रॉड भी नहीं लगता, लड़कियाँ बड़ी बड़ी भी नहीं लगती, जितनी एज है वैसे मेकअप उसी हिसाब से किया जाए तो बहुत ही, और हेयर स्टाइल भी बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत प्यारा, और हेयर स्टाइल भी इसके हिसाब से ही बनाया है कि जिस तरह के मॉडल हमने लिए तो मॉडल के हिसाब से ही बनाना चाहिए। आजकल वो जो इतने बड़े बड़े जो हेयर स्टाइलिंग जो हो जाते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते, अब तो ट्रेंड ये चल रहा है कि बिल्कुल लाइट ही चल रहे हैं बाल, ज्यादा हैवी नहीं चल रहा है। बताइए नाहिद का काम कैसा लगा आपको? हाँ, नाहिद का काम अच्छा है बहुत, अगर नाहिद थोड़ा सा और कोर्स करना चाहें एडवांस कोर्स, तो उसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, नाहिद
बहुत छोटी, जो कि आम आदमी को शायद नजर नहीं आती, लेकिन जब आप करेंगी तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। देखा जी, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कोई मुझे मिस्टेक अगर बताता भी है तो वो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, आपके मिस्टेक कुछ नहीं है, नहीं वो करी और अब और मजीद मतलब बारीकियां जो होती है ना वो आम आदमी को नजर नहीं आती, उसको अच्छा लगता है। जैसे बाज दफा कहीं से मेकअप करा के आती है तो हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐप नजर आते हैं, लेकिन हम उनको बताते नहीं है। अच्छा, आपका डन हो गया? जी जी, मेरा डन हो गया, मेरा क्या बात है। अच्छा जी, मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो है मेरी प्यारी बहन जो हमारा नाजी में जब तक नंबर अनाउंस करती हूँ, आप सिस्टर वहां से राउंड अबाउट होकर यहाँ पर आके तशरीफ रखें। जी हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान नाहिद वसीम, आप यहाँ पे रहे, आप जाओ वहां से जाना। अच्छा जी, नाहिद वसीम यहाँ पर मौजूद है और रिजवाना खान साहबा फ्रॉम ज़ारा सैलून से मौजूद है और हम जो है इस वक्त मैं चाहती हूँ एक प्रेजेंटेशन सॉन्ग अगर शहजाद रेडी हो गया हो तो हम चाहते हैं कि मॉडल की एक रैम्बो को जो है। अच्छा, एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं साबी? कैसे हैं आप? ठीक है, मैं रबिया बात कर रही हूँ जी। मैं आपका मॉर्निंग शो देखती हूँ बहुत। गुड़िया वहाँ से हो क्या? वहाँ से। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है साबी? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? प्रोग्राम देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बिल्कुल मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आप ब्यूटीफुल को ऐसे प्रमोट कर रही हैं जी, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। नाहिद भी मैं देख रही हूँ और मिस ज़ारा भी आई हुई है जी, और आप भी आ रहे हैं, आप भी ब्यूटिशियन है जी? बिल्कुल, मैं भी इंशाल्लाह आ रही हूँ बहुत जल्द। चले फिर जल्दी से पी भी आए, कह रहा हूँ की जो ब्यूटी वर्कशॉप हो रही है पास ले और यहाँ पर तशरीफ ले, कैसा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड सॉन्ग इज रेडी। शिराज भाई रेडी? ओके डन है जी। हाँ, सॉन्ग की आवाज हमारे हम तक आएगी तो फिर वो मूव करना शुरू करेगी। Thank you.
खूबसूरती। अच्छा जी, पता है क्यों हम क्यों दिखाते हैं? वो इसलिए, नाहिद ने इतनी मेहनत से काम किया है, हम उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स दिखाते हैं और ये काम वो प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि लाइव शो में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती या हम इतना टाइम नहीं होता। तो हम थोड़ी सी नाहिद से बात करेंगे। नाहिद, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? 15 साल हो गए माशाल्लाह। ये समझ लें, मुझे 8-9 में थी जब से ही शौक था कि ब्यूटिशियन करना है। अरे, तो जब से सिलसिला चलता रहा है। पहले सपोर्ट वालदा की थी, फिर उसके बाद शादी के बाद हस्बैंड की सपोर्ट हुई, तो ये सपोर्ट। अच्छा, मैं एक मिनट, आप एक मिनट मैम का जरा नंबर अनाउंस कर दूं तो फिर हम उनसे। अच्छा, हमारी इधर मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा चले कोई बात नहीं, हमने सवाल किया था और बिल्कुल सुमैया जी से, और जब मेरे पास वो कॉल जो ड्रॉप हो गई है, मैं उसके बारे में बता दूं। उन्होंने सवाल ये किया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के ऊपर जो बेस लगती है वो कब मौसम चेंज होता है तो वो फट जाती है, तो हम किस तरह उसे जो है ना ज़्यादा देर तक स्किन के ऊपर स्टे कर सकते हैं, और सबसे अच्छी जो ब्रांड है वो कौन सा है? ऑफकोर्स कोई मसला नहीं, हम बता सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं मैम, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फिर उनसे भी पूछेंगे, हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। हाँ। तो कितनी देर स्टे कर सकता है बेस लिक्विड में, इन दिनों यूज करनी चाहिए या स्टिक में यूज करनी चाहिए? सर्दियों में लिक्विड यूज करना चाहिए। okay. लिक्विड नहीं, आजकल क्रीमी बेस होती है, और क्योंकि वो स्टे करती है। मेरा तो मेकअप जो मैं करती हूँ वो कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की कि वो हट गया। अच्छा, अच्छा, जो फटने का कहते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि स्किन होती है खराब। अच्छा, अच्छा, उसके ऊपर अगर हम स्टिक लगा देते हैं या कोई ऐसी ऐसी बेस लगा देते हैं जो कि ड्राई हो, ओके, तो वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से चिकनाई निकलती है, वो ओवर होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमेशा पहले स्किन की ट्रीटमेंट करना चाहिए जी, और उसके बाद मेकअप करना चाहिए। और अगर जो ये हटना शुरू हो तो उसको स्पंज होता है सॉफ्ट सा, वो वेट करके थोड़ा थोड़ा आप अपनी तकरीब में लगाते नहीं, ये गर्मियों में होता है मोस्टली, लेकिन सर्दियों में अगर आप क्रीमी बेस इस्तेमाल करेंगी तो वो नहीं हटेगी। चलिए जी भाई, तो मैंने कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ जी। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, तो मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, मैं आर्ट मीडिया के प्लेटफॉर्म। आवाज शिराज भाई खोलिएगा जरा, शिराज भाई जी। हेलो, पीबीआई के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, मैं उनकी मेंबर हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहा है, और अभी मैंने उनको देखा, आप नए से नए ब्यूटिशियन, हमारी सीनियर इतनी ब्यूटिशियन लेके आती रहती है, रिजवाना खान बहुत बड़ी, मैं उनकी फैन हूँ। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। जी जी, बहुत बड़ी मैं उनकी फैन हूँ, बल्कि उनके यूट्यूब चैनल से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और आज आपके इसमें प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। और बाकी हमारी एक नाहिद आई हुई है, हमारी दोस्त हैं, बिल्कुल पीडीआई की मेंबर है, बहुत अच्छा काम करती हैं ये भी। आई नो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। टाइम में शॉर्ट में नाहिद से बात करूंगी। नाहिद, माशाल्लाह काम में, अब क्या आपको लगता है कि अब काम किस तरह का चल रहा है, या कुछ लोग कैसा मेकओवर पसंद करते हैं? ज़्यादातर जो है वो लाइट पे जा रहा है मेकअप, और जो ब्राइट पे जाता है तो वो ज़्यादा थोड़ा शार्प हो जाता है। ज़रा शार्प से मुराद ये है कि आपका जैसे ग्लैमर मेकअप पे चले जाता है। ज़्यादातर लड़कियां जो भी आती हैं सैलून में तो वो यही कहती हैं, बस सॉफ्ट लुक चाहिए, सॉफ्ट हो, बिल्कुल लाइट पिंक हो, या बस पिंक पे ही ज़्यादातर आजकल जा रहा है, और बेस भी पिंक ही मांग रही। लेकिन आपका मैंने देखा है कि पीबीआई के अंदर, और वैसे भी आप माशाल्लाह, आपने जिस तरह का मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आप मेकओवर बहुत, आपकी उसमें बहुत हल्का है, आपने बहुत पसंद किया जाता है। आज यहाँ पर आना कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आना, और बस ये है कि आप अपने काम के लिए सिंसियर रहेंगे ना तो आपकी मंजिल खुद ब खुद आसान होती रहेगी। बहुत बेहतरीन मैसेज आपने दिया है कि आगे आप जैसे दूसरों के लिए सिंसियरिटी दिखाएं। अच्छा, आप भी अपने फील्ड से रिलेवेंट है, ऑफ कोर्स ब्यूटी से, तो कभी प्रॉब्लम्स वगैरह आई हैं आपको भी? प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हर फील्ड में आती है। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स ये आई कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बहुत साल हो गए मुझे स्ट्रगल करते करते, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं कहीं क्लास होती है, मैं सीखने के लिए जाती हूँ कि कुछ ना कुछ, वहाँ बैठती हूँ तो समझ लें जीरो बनना पड़ता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। कुछ लोग बकवास बैठते हैं ना तो कहते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है,
ये नहीं होना चाहिए आप। और आपने ये बहुत अच्छी बात, ये भी ये एक पर्सन के अगर 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, इसका मतलब है कि वो एक दिन एक बड़ा नाम जरूर बना लेगा मेरे ख्याल में। और आप हिडन टैलेंट है, टैलेंटेड आप हैं, डिजर्विंग हैं, सिर्फ आपको हमने यहाँ पे फ्रंट पे लाया, हमने अपना एक छोटा सा काम किया है। और थैंक्स फॉर कमिंग, आपके आने का बहुत आपका थैंक्स आपका थैंक्स आपने हमें बुलाया। नहीं नहीं, इट्स माय प्लेजर। गुड मॉर्निंग विद सभी ब्यूटी सेगमेंट आप लोगों के लिए, मैम आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाजरीन। और जी यहाँ पर हमारा है प्रोग्राम खत्म, लेकिन ये आज का प्रोग्राम खत्म है। कल नए जज्बे, नई उमंग और नए सूरज के साथ तुलू होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं चाह रही हूँ एक थोड़ी इनकी सॉन्ग से जरा सा एंड हो जाए, नाइट की जो है मॉडल से हम चाहते हैं सॉन्ग के ऊपर जरा एंड कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।